भारतीय परंपरा अनुसार अतिथि देवो भव का निर्वहन करते हुए मैं विश्वविद्यालय से कुलपति जी डॉक्टर श्री अरुण रमेश जोशी जी से निवेदन करती हूँ, पुष्प गुच्छ एवं मोमेंटो देकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। मैं विश्वविद्यालय कुलसचिव श्री रवि चतुर्वेदी जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे कुलाधिपति श्री संतोष चौबी जी का पुष्पगुच्छ एवं मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें। मैं विश्वविद्यालय प्रतिकुलपति डॉक्टर शहजाद कुरैशी जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे बीच उपस्थित। वाजपेयी जी से मेरा निवेदन है कि वे हमारे विश्वविद्यालय प्रति कुलाधिपति डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी जी का पुष्पगुच्छ एवं मोमेंटो देकर स्वागत करें। योगी अधिष्ठाता संकाय डॉक्टर संध्या दुबे जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे विशेष अतिथि श्री श्रीनिवासन सज्जा जी का पुष्पगुच्छ एवं मोमेंटो देकर स्वागत करें। कृतिका चतुर्वेदी जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे विशेष अतिथि श्री पीएस सोडी जी को पुष्पगुच्छ एवं मोमेंटो देकर स्वागत करें। एचआर मैम, हमारे सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत करतल ध्वनियों के साथ भी होना चाहिए। मैं सभागार में उपस्थित सम्माननीय ख्याति लब्ध प्रतिष्ठित अतिथिगण, जन प्रतिनिधिगण, सम्मानित पत्रकार, अभिभावक, विद्यार्थियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। स्वागत की श्रृंखला में मैं हमारे विश्वविद्यालय से श्रीमती नेहा शुक्ला जी से निवेदन करती हूँ कि वे श्रीमती विनीता चौबे जी का स्वागत पुष्पगुच्छ एवं मोमेंटो से करें। बहुत
दीक्षांत समारोह हमेशा से ही एक ऐसा विशेष अवसर होता है जिसमें हम शुरू के वर्षों में की गई कड़ी मेहनत को लक्ष्यों की प्राप्ति व सफलता की प्राप्ति के साथ शुरू होती है और हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। किसी भी संस्थान के लिए उसके छात्र ही उसके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, क्योंकि ये ही छात्र जब सफल होकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज या बड़े प्रशासनिक पदों पर अपनी सेवा देते हैं तो कहीं ना कहीं उस संस्थान को भी उनकी सफलता के साथ याद किया जाता है। मुझे हेनरी फोर्ड की एक पंक्ति याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था, एक साथ काम करना सफलता है, एक साथ आना। और जैसा कि हम पिछले कुछ वर्षों से देखते हैं कि शुरुआत हुई थी और प्रगति भी हुई, और हाँ, निर्विवाद रूप से हम सफल भी रहे। हम हमारे विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को प्रारंभ करने से पूर्व हमारे कुलाधिपति जी से निवेदन करती हूँ मैं कि वे दीक्षांत समारोह को प्रारंभ करने की अनुमति दें। सर, धन्यवाद सर। हमारे मुख्य अतिथिगण आज इस प्रथम दीक्षांत समारोह का हम उनका पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं, और दीक्षांत समारोह की अगली श्रृंखला को गतिमान करते हुए मैं विश्वविद्यालय से कुलपति जी डॉक्टर श्री अरुण रमेश जोशी जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूं कि वह आकर स्वागत उद्बोधन दें। सम्मानीय व्यासपीठ, आज के इस प्रथम दीक्षांत पदक जैसे उच्च अलंकरणों से सम्मानित राष्ट्र के सेना नायक, दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष श्री संतोष चौबे साहब, अध्यक्ष आईसेक समूह एवं डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी, निदेशक आईसेक संस्था एवं सचिव न्यासी संस्था डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी, हमारी प्रति कुलाधिपति, समारोह में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित श्री श्रीनिवास सज्जा साहब, प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय डेयरी विकास सहकारी संघ, श्री प्रभजोत सोडी साहब जो सलाहकार है राष्ट्रीय डेयरी विकास संघ के, प्रोफेसर विजयकांत वर्मा साहब कुलाधिपति, श्री अजय चौबे साहब प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एवं विश्वविद्यालय प्रबंधन समिति एवं अकादमिक समिति के सदस्य, आईसेक्ट विश्वविद्यालय समूह के कुल सचिव सुश्री पुष्पा असीवाल जी, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पेठिया, कुलसचिव डॉक्टर विजय सिंह, आईसेक्ट विश्वविद्यालय हजारीबाग के कुलपति प्रोफेसर नायक, डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय वैशाली के प्रति कुलपति प्रोफेसर शर्मा, डॉक्टर विनीत मुख्य वित्त अधिकारी हैं हमारे, विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी, विभिन्न महाविद्यालयों के आचार्यगण, आज के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित उपाधि प्राप्त करने वाले प्रिय छात्रों, उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों के अभिभावकगण, खंडवा शहर के गणमान्य अतिथि, विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययन शालाओं में अध्ययनरत छात्र, विश्वविद्यालय के प्रथम छात्र परिषद के मेरे सभी मित्र साथी, विश्वविद्यालय कार्यदल के मेरे सभी साथी, विश्वविद्यालय के प्रतिकूल जनपीठ खंडवा के श्री अध्यक्ष श्री शरद जैन साहब एवं गोविंद जी, विश्वविद्यालय कुलसचिव श्री रवि चतुर्वेदी जी, विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता द्वय प्रोफेसर भावना वाजपेयी प्रोफेसर संध्या दुबे, विश्वविद्यालय मानव पूंजी प्रबंधन की श्रीमती गीतिका चतुर्वेदी, सभी अध्ययन शालाओं के अध्यक्ष एवं मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अत्यंत हर्ष और उल्लास के इन क्षणों में विश्वविद्यालय परिवार आपकी उपस्थिति से गौरवान्वित और आह्लादित महसूस करता है। आज हमारे बीच विशेष रूप से मानद उपाधि के लिए उपस्थित श्री मंगलजीत राय साहब और उनके साथ आए हुए अन्य साथीगण, आपका भी मुझे इस विश्वविद्यालय में स्वागत करते हुए अत्यंत आनंद हो रहा है। डॉक्टर सी रमन विश्वविद्यालय खंडवा नर्मदा अंचल का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त करता है। विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन यानी ISO 9008:2015 के अंतर्गत गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के पूर्ण रूप से प्रमाणित गया है। विश्वविद्यालय की समस्त 9 वर्तमान अध्ययन शालाएं स्वतंत्र रूप से प्रमाणित है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि विश्वविद्यालय को वर्ष 2022 और 23 के लिए देश के नवोदित विश्वविद्यालयों में अग्रगण्य माना गया तथा बेस्ट बडिंग यूनिवर्सिटी के रूप में कैरियर 360 नामक एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा अलंकृत किया गया। विश्वविद्यालय के प्रति वर्ष निर्धारित संख्या में छात्रों को विभिन्न उपाधियों जैसे पत्रोपाधि, स्नातक उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि में करीब करीब 2831 छात्र अध्ययनरत है। विश्वविद्यालय कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर विज्ञान, ललित कला, भाषा, मानवीय
मानविकी एवं समाज विज्ञान, पैरामेडिकल विज्ञान, शिक्षा विज्ञान, व्यवसाय प्रबंधन, वाणिज्य प्रबंधन, ग्रामीण विकास प्रबंधन जैसे विषयों में अध्यापन कार्य सुचारू रूप से संचालित करता है। विश्वविद्यालय वर्ष 2022 से ही नवीन शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चला रहा है। शिक्षा के साथ जीवन मूल्य प्राप्त भक्ति वेदांता रिसर्च सेंटर पुणे, जिसका कि अनुबंध अनेक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और भारत के अग्रगण्य विश्वविद्यालयों से है, उन्होंने भी हमारे विश्वविद्यालय के साथ एक अनुबंध किया है और इस दिशा में एक प्रथम कोर्स माय लाइफ वैल्यूज का भी हमने इस वर्ष संचालन किया है। विगत वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, मुझे कहते हुए अत्यंत आनंद हो रहा है कि जैसे क्लब ऑफ रोम, जिसके डायरेक्टर जनरल साहब आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनके साथ महत्वपूर्ण संस्थाओं के साथ में हमने अनुबंध किया है। मुझे इस सदन में ये बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि नेशनल डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड भी अनकरीब हमारे साथ एक अनुबंध करने वाला है, और जिसके अंतर्गत हम जो नवीन संचालित होने वाले कार्यक्रम जैसे फूड प्रोसेसिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, होम साइंस, रूरल टेक्नोलॉजी और रूरल मैनेजमेंट के भी स्कूल्स की स्थापना हम कर रहे हैं। साथ ही एक डिजिटल लर्निंग के स्कूल की भी स्थापना यहाँ की गई है। विश्वविद्यालय इस हेतु हम मिशन हैप्पी एवं समर्थ भारत का सफल नवाचार निकट के जिले हरदा में करते रहे। हमारे बीच सदन में हरदा से आए हुए श्री बाहेती जी भी इसके प्रमाण हैं और उनकी उपस्थिति का मैं स्वागत करता हूँ। इस नवाचार का सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ हुआ है वो हमारे कृषि छात्रों और ग्रामीण प्रबंधन के छात्रों को है, जिन्होंने उनके अधिगम के नए आयामों को खोला है। शिक्षा के दौरान छात्रों को अनेक गतिविधियों में संलग्न होना और उनके भावी व्यवसायिक जीवन हेतु देता हूँ सादर वंदे, जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद सर। दीक्षांत समारोह में माननीय कुलाध्यक्ष श्री मंगू भाई पटेल जी स्वास्थ्य कारणों से प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वचन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित नहीं है। माननीय कुलाध्यक्ष जी का संदेश राज्य भवन मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, जिसका वाचन मैं कुलाधिदेश कोट हर्ष का विषय है कि डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय खंडवा द्वारा प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। दीक्षांत समारोह विद्यार्थी जीवन का अविस्मरणीय पल है। विद्यार्थी जीवन की पूर्णता और प्राप्त ज्ञान के व्यवहारिक जीवन में उपयोग के शुभारंभ का अवसर होता है। भावी जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति और चुनौतियों का प्रतिबद्ध कराने का भी प्रसंग दीक्षांत होता है। आशा है विश्वविद्यालय की बौद्धिक संपदा, संसाधनों और उपलब्धियों से समाज को परिचित कराने का माध्यम बनेगी। शुभकामनाएं मंगू भाई पटेल। वाचन अनकोट। धन्यवाद। इस अलंकरण समारोह के अवसर पर विशेष रेखांकित करते हुए दीक्षांत स्मारिका का प्रकाशन किया है। मैं मंचासीन सम्मानित जनों से अनुरोध करूंगी कि वे दीक्षांत स्मारिका का विमोचन करें। आप सभी अतिथिगण का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूं कि वे न्यासी संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय विकास एवं भूमिका पर अपना उद्बोधन दें। नमस्कार। निमाड़ अंचल के प्रथम विश्वविद्यालय
डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय के आज के इस प्रथम दीक्षांत समारोह के इस गरिमामय आयोजन में हमारे साथ बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल अरुण साहनी जी, जो कि फॉर्मर जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ इंडियन आर्मी है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए। आपकी गर्व का विषय है कि इंडियन आर्मी के इतने बड़े व्यक्ति हमारे साथ हमारे बीच आज इस कॉन्वोकेशन में है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं आईसेक समूह के चेयरमैन श्री संतोष चौबे जी, जो आज कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। हमारे साथ मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर श्री पीएस सोडी जी, अभी जिनका जिक्र अरुण जोशी सर ने किया और जिन्होंने लंबा पीएस सोडी जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ एक और व्यक्ति जिनकी और जिनकी संस्था की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, श्री श्रीनिवास सज्जा जी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नेशनल डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन। और हम सब जानते हैं कि भारत में वाइट रेवोल्यूशन और डेयरी रेवोल्यूशन जो अमूल के माध्यम से आनंद में जिसकी शुरुआत हुई, आज देश भर में वो एक केस स्टडी बन चुका है। और ऐसे नेशनल डेयरी हमारे साथ मंच पर उपस्थित इस विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय डॉक्टर अरुण जोशी जी, विश्वविद्यालय की प्रति कुलाधिपति डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी जी, हमारे साथ मंच पे आईसेक द्वारा निकाली जा रही पिछले 40 वर्षों से इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए, जो कि विज्ञान की एकमात्र हिंदी में सबसे लंबी चलने वाली पत्रिका है, उसकी संपादक श्रीमती विनीता चौबे जी, विशिष्ट अतिथि किशोर सुपेकर जी, जो कि एडवाइजर भी हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट है, और विश्वविद्यालय के कुल सचिव माननीय डॉक्टर रवि चतुर्वेदी जी। सर्वप्रथम डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में आए आप सभी अतिथियों, खंडवा शहर के गणमान्य नागरिकों, छात्रों और उनके अभिभावकों, विश्वविद्यालय के सभी अध्यापक और हमारे डीन्स, और जिनके हाथ में इस शिक्षा की मशाल को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है, वो हमारे पंक्ति पे यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हैं, हमने बैठे हैं। हमारे साथ आज जिनको डीलिट या मानद उपाधि प्रदान की जाने वाली है, ऐसे मंगलजीत राय जी सिक्किम से हमारे साथ हैं। आप सभी का आईसेक परिवार एवं हमारे सभी समूह के विश्वविद्यालयों एवं सीवी रमन खंडवा की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज हमारे लिए मित्रों अत्यंत गर्व का विषय है कि निमाड़ क्षेत्र के प्रथम विश्वविद्यालय सीवीआरयू खंडवा का प्रथम दीक्षांत समारोह यानी कॉन्वोकेशन एंटरप्राइज आईसेक द्वारा की गई है। मैं आपको ये बताऊं और खासकर मंच की इन्फॉर्मेशन और सभी सदन में जो उपस्थित हैं, आईसेक पिछले 35 वर्षों से शिक्षा, कौशल विकास, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ई गवर्नेंस के क्षेत्रों में काम कर रहा है और आज देश भर में अपने नवाचारों और सोशल इम्पैक्ट के लिए जाना जाता है। आईसेक देश भर में 30,000 से ज़्यादा केंद्रों की स्थापना कर चुका है, जो कि ग्रामीण अंचलों में डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से करवा रहे हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आईसेक 5 विश्वविद्यालयों की स्थापना कर चुका है, जो सभी ग्रामीण अंचल के छात्रों को क्वालिटी हायर एजुकेशन से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये संस्था एक ऐसी संस्था भी है जिसने देश में पहली बार हिंदी और भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर और डिजिटल लिटरेसी प्रदान करने की शुरुआत की, और आज मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने करियर का निर्वहन कर रहे हैं। और ये संस्था एक ऐसी प्रथम संस्था है जिसने भारतीय कला और संस्कृति को न सिर्फ सहेजने बल्कि प्रमोट करने के लिए एक इंटरनेशनल आर्ट्स कल्चर एंड लिटरेचर फेस्टिवल विश्व रंग की शुरुआत की है, जिसका चतुर्थ एडिशन हम भोपाल में अभी भव्यता के साथ हमने मनाया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 30 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि इस फेस्टिवल प्रमोट करने के लिए अपनी अपनी कंट्रीज में, नेदरलैंड्स हैं, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ ईस्ट एशिया की बहुत सारे कंट्रीज हैं, उसमें काम कर रहे हैं। एक और खास बात, विश्वविद्यालय समूह में जो प्रथम विश्वविद्यालय रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय इस समूह ने बनाया है, जो भोपाल में स्थित है, वो मध्य प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो कि NIRF द्वारा 4 साल से रैंक किया जा रहा है और NAC अक्रेडिटेशन जिसके पास सबसे पहले आया है। हम यही कामना करते हैं।
आईसेक को अपने कामों के लिए बहुत सारे अवार्ड्स, जिसमें माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा इंडियन इनोवेशन अवार्ड, हार्वर्ड द्वारा केस स्टडी का गठन, श्वाब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड और अशोका फेलोशिप अवार्ड दिए जा चुके हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारे 5 सूत्र हैं जिनके माध्यम से हम अपने सभी विश्वविद्यालयों का संचालन करते हैं। सर, सबसे पहला, शिक्षा को कौशल विकास से जोड़ना। हमारे हर विश्वविद्यालय में डिग्री प्रोग्राम के साथ साथ एक दूसरा, युवाओं को स्टार्टअप्स और इंक्यूबेशन से जोड़ना, क्योंकि हमें जानते हैं कि हर वो युवा जो ग्रेजुएट कर रहा है वो जॉब सीकर ही ना बने, जॉब गिवर भी बने। और भारत में जो हमारा ओवरऑल वर्कफोर्स है उसमें 80% से ज़्यादा लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तो उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी देना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री को हर स्टेप में जोड़ना, और हमारे हर विश्वविद्यालय में हमने हर डिग्री प्रोग्राम के साथ एक अप्रेंटिसशिप, यानी छात्र कुछ समय अपने 3 वर्ष या 4 वर्ष के अंतराल में इंडस्ट्री पे और शॉप फ्लोर में भी समय व्यतीत करेगा, जिससे वो रियल वर्किंग एनवायरनमेंट में एक्सपीरियंस ले सके। कला और संस्कृति के प्रति जागरूक करना, हर विश्वविद्यालय में वहाँ की जो लोकल कला और संस्कृति है उसको सहेजने के लिए एक केंद्र बनाया गया है। आगे इस विश्वविद्यालय के बारे में भी आपको पता चलेगा। जो ग्लोबल रैंकिंग है उसमें एक रिसर्च आउटपुट हमारा वीक पॉइंट है, और जब तक हम उसको हिट नहीं करेंगे तब तक इंटरनेशनल लेवल पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि सीवी रमन विश्वविद्यालय खंडवा ने इन सभी सूत्रों के साथ साथ अपनी एक विशिष्ट पहचान भी कृषि और फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में बहुत ही कम समय में यहाँ पर बनाई है। एक और जहाँ पे हम यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और नए कोर्सेज, जहाँ डेयरी है, फूड प्रोसेसिंग है, ऐसे नए कोर्सेज को स्टार्ट करने वाले हैं। पूरा लक्ष्य ये है कि खंडवा और निमाड़ क्षेत्र के युवाओं को हम इस विश्वविद्यालय के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन, स्टार्टअप्स, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, प्लेसमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ उनका एक समग्र विकास यहाँ से कर सकें। आज दीक्षांत समारोह है, और वो छात्र जो आज यहाँ से अपना मेडल लेके यूनिवर्सिटी से बाहर जाएंगे, आपकी दीक्षा का आज यहाँ पर अंत है, पर जीवन के एक नए अध्याय की आपकी शुरुआत है। तो यहाँ जो शिक्षा की शुरुआत कल आपके साथ होने वाली है, और लगातार बहुत सारी चीज़ें जीवन भी हमें सिखाता है, तो इस तरीके से शिक्षा का एक निरंतर दौर हमारे साथ चलता है। मुझे आशा है कि आप अपने जीवन में इस अध्याय को बहुत अच्छे से लिखेंगे, और इसके लिए दृढ़ता यानी परसिस्टेंस, सक्षमता जो कि आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, ऊर्जा जो कि आपकी एनर्जी है, और धैर्य के साथ अपने इस भविष्य का निर्माण करेंगे। सिर्फ 4 चीज़ें मैं पंक्ति में था और स्टूडेंट था, और कॉन्वोकेशन के बाद मैंने अभी तक जो देखा, सबसे पहला छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए आई थिंक मास्टरिंग योर माइंड जो है वो सबसे पहला और एक सतत चलने वाला गोल आपके लिए होना चाहिए। आपके पास और आपके मानसिक तौर पे अपार और बिल्कुल अनलिमिटेड पोटेंशियल है, और मानसिक क्षमता आपकी अपार है, आप पे बस ये निर्भर करता है कि आप। दूसरा, आपको अपने बड़े लक्ष्यों पे तो ध्यान रखना है, बट छोटे छोटे जो आपकी विन्स हैं, छोटी जो जीत है जो हर दिन होती है, उसको आपको नहीं भूलना है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम बड़े लक्ष्य को रखते हैं तो उसके लिए हम डेली क्या अपना 1% एटलीस्ट दे रहे हैं, ये चीज़ मायने रखता है। तो अगर आप हर दिन 1% देते हुए चलेंगे तो आप निश्चित ही ऑटोमेटिक प्रक्रिया में अपने गोल तक जरूर पहुंचेंगे। हर परिस्थिति में अच्छी चीज़ों को तलाशने की पॉजिटिविटी, जितनी आप अपने बाहर भेजेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी वापस आपको ढूंढकर आपके पास आएगी। फाइनली मैं आपको ये बता दूं कि आप एक देश के अमृत काल में ग्रेजुएट कर रहे हैं, देश और हमारा मध्य प्रदेश भी प्रगति के पथ पर है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके साथ आपके करियर में आएंगी। एक अपॉर्चुनिटी अगर आपसे मिस हो भी जाती है तो उसके लिए बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि लाइफ अपॉर्चुनिटीज का ही एक सिलसिला है। एक अपॉर्चुनिटी अगर जाती है तो दूसरी, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। हार्डवर्क करेंगे तो अपॉर्चुनिटी आपको खुद ब खुद ढूंढ लेगी। अपने इस संस्थान को कभी नहीं भूलना है, जहां भी जाएं, जहां भी आप अपना भविष्य निर्माण करेंगे, संस्थान को और इस शहर को याद करिए, और किसी न किसी तरीके से इसको वापस आपको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से देना है। फाइनली, भारतीय शिक्षा परंपरा में एक मूल मंत्र है कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए,
इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सामाजिक सेवा में लग जाएं, शिक्षा कर जो कैपेबिलिटीज हैं उसके साथ देश और प्रदेश की विकास में आप कितना सहयोग और कितना योगदान दे सकते हैं, इसका तात्पर्य यहाँ से है। सो फाइनली, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज ओनली द करेज टू कंटिन्यू विच काउंट्स। सो आई विश ऑल ऑफ यू वेरी वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर ब्राइट फ्यूचर। और विश्वविद्यालय के इस प्रथम दीक्षांत समारोह के आयोजन पे मैं माननीय कुलपति और सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम को भी बहुत 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 धन्यवाद सर आपके आशीर्वचनों के लिए। अब प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर हमने इस अवसर पर एक और शबरी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया है। मैं मंचा सिंह सम्मानित जनों से पुनः अनुरोध करूंगी कि वे शबरी पत्रिका का विमोचन करें। धन्यवाद। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे विश्वविद्यालय डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी की प्रति कुलाधिपति डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूं कि वे विकास गतिविधियां पर अपना उद्बोधन दें। Respected guests on the dais, respected guests off the dais, सभी students जो आज Dr. C.V. Raman University से graduate कर रहे हैं, उनके parents, university के deans, faculties, आप सभी का Dr. C.V. Raman University के प्रथम दीक्षांत समारोह में, पहाड़ अंचल की पहली university है जो अपने तीन pillars पे strongly खड़ी हुई है, जो है research, innovation, and promotion of regional art, literature and culture. अगर हम innovation की बात करते हैं तो Dr. C.V. Raman University हमेशा से ही agriculture और renewable energy को आगे लेके चल रही है और agriculture में कई innovations इस university ने किए हैं। यहाँ के students को जहाँ एक तरफ practical exposure रावे के through, field work के through courses को जो कि water conservation में है, animal husbandry में है, dairy management में है, उनको launch करने की स्थिति में है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी पार्क की भी स्थापना हुई है जहां प्रैक्टिकल एक्सपोजर स्टूडेंट्स को इस क्षेत्र में दिया जाता है। फूड प्रोसेसिंग पार्क की बात हुई और आगे आने वाले फ्यूचर में यूनिवर्सिटी में एक फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना भी की जाएगी जो न केवल अनियन और टर्मरिक प्रोसेसिंग पे काम करेगा, काफ़ी एम्बिशियस और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हैप्पी हरदा और हैप्पी खंडवा उठाया है जो बेसिकली यहाँ के यूथ, यहाँ के फार्मर्स, किसानों के बीच में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस पे काम करेगा, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करेगा और ट्रेनिंग पे काम करेगा। हम ये सुन रहे हैं आजकल कि काफ़ी स्टार्टअप्स जो हैं वो एग्रीकल्चर के फील्ड में आ रहे हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात हो रही है और इन्हीं स्टार्टअप्स के ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, मेंटरशिप के लिए यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। भारत में इस वक्त 500 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं और सभी बिजनेसेस इन यूजर्स को टैप करना चाहते हैं, डिजिटल यूजर्स को अपने साथ लाना चाहते हैं और इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसी फील्ड्स की डिमांड भी बढ़ रही है। कंज्यूमर्स की अगर बात करें तो सभी बिजनेसेस कंज्यूमर बिहेवियर जानना चाहते हैं, कंज्यूमर इंसाइट्स देखना चाहते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसे जो पाठ्यक्रम हैं उनकी डिमांड भी अब आगे आने वाले समय में बढ़ रही है और इन्हीं चीज़ों के तहत FSA यानी फ्यूचर स्किल अकेडमी द्वारा NEP के अंतर्गत स्टूडेंट्स को ये पाठ्यक्रम प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एनिमेशन,
VFX गेमिंग भी एक उभरता सेक्टर है. हम मेटावर्स की बात करते हैं, हम गेमिफिकेशन की बात करते हैं, और इसी के चलते AVGC एकेडमी को भी लॉन्च किया गया है और स्टूडेंट्स को ये एडवांस्ड कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं. अगर मैं रिसर्च की बात करती हूँ तो शुरू से ही डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी की जो पेडागॉजी, जो ग्रीन इकोनॉमी, सस्टेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी पे अपना काम कर रही है, और जहाँ अभी इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40th पे है, इसको इम्प्रूव करने के लिए हम जैसे रिस्पॉन्सिबल यूनिवर्सिटीज अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं. अगर मैं प्रमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, आर्ट और कल्चर की बात करती हूँ तो विश्वविद्यालय में निमाड़ लोक कला साहित्य एवं संस्कृति शोध केंद्र की स्थापना के बारे में इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा अवगत कराया जाता है. कई वर्कशॉप्स और एक्टिविटीज आयोजित करी जाती है. वहीं दूसरी तरफ विलुप्त होती हुई जो फोक आर्ट है निमाड़ का, वो भी इस सेंटर के थ्रू प्रिजर्व किया जा रहा है अपनी पब्लिकेशंस के माध्यम से. हाल ही में निमाड़ की कहावतों की एक किताब भी इस शोध केंद्र द्वारा प्रकाशित की गई है. संझा जो यहाँ का एक फोक आर्ट है, उसका मोनोग्राफ भी यहाँ से रिलीज किया जाने वाला है. में मनाने के लिए 17 और 18 मार्च को यहाँ लोक रंग, निमाड़ लोक रंग का आयोजन भी किया जा रहा है. तो ऑल इन ऑल अगर मैं कहूँ, इन्हीं सारे शोध केंद्रों के मदद से हम विश्व रंग आईसेक के सहयोग से विश्व रंग इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन पिछले 4 सालों से यहाँ कर रहे हैं. और विश्व रंग का मेन उद्देश्य यही है कि भारतीय कला, संस्कृति और साहित्य को एक वैश्विक मंच प्रदान किया जाए. और आप यूनिवर्सिटी इज अ फ्यूचर रेडी यूनिवर्सिटी विच इज फॉरवर्ड इन टेक्नोलॉजी बट ग्राउंडेड विद ट्रेडिशंस. और आज के जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, वो उनको मैं स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी. और बिफोर रेस्टिंग माय वर्ड्स, आई वुड लाइक टू कोट अ लाइन फ्रॉम द बुक अटोमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, जो कहता है कि बेस्ट इज द एनिमी ऑफ गुड. हम कई बार जब अपनी करियर की शुरुआत करते हैं, रूप से ऊपर पेडिस्टल पे खड़े रहें, पर हम उन गुड अपॉर्चुनिटीज को छोड़ देते हैं जिससे हम अपना एक्सपीरियंस बिल्डअप कर पाएंगे. आप सभी से अनुरोध मेरा यही रहेगा कि आप अब जॉब मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं, वर्क एनवायरमेंट में प्रवेश करना चाह रहे हैं, कुछ लोग शायद अपना स्टार्टअप भी खोलना चाहते हैं, अपनी इस जर्नी को जितना जल्दी हो सके शुरू करें, क्योंकि टाइम इज द एसेंस. और जब आप इस जर्नी को शुरू करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप इसी जर्नी के थ्रू आपको आगे लेके जा रहे हैं. सो विद दीज वर्ड्स आई वुड वंस अगेन लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, and never stop being a student. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम. टैगोर विश्व भोपाल की सांस्कृतिक पत्रिका रंग संवाद का विशेषांक भी इस अवसर पर प्रकाशित हुआ है. आपको विशेष रूप से सूचित करना चाहेंगे कि इस पत्रिका को फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशियर दिल्ली ने श्रेष्ठ संपादन और प्रकाशन के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया है. मैं मंच पर पत्रिका संपादक श्री विनय उपाध्याय जी से निवेदन करूंगी, वे आए और मुख्य अतिथियों द्वारा इस पत्रिका का विमोचन करवाएं. जनों का बहुत बहुत धन्यवाद. अब निमाड़ की प्रथम दीक्षांत समारोह
का कार्यभार एवं आगे का संचालन करने हेतु मैं विश्वविद्यालय कुल सचिव श्री रवि चतुर्वेदी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं। दीक्षांत समारोह आरंभ करने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। सर्वप्रथम हम मानद उपाधि का वितरण करने जा रहे हैं। डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय खंडवा की एकेडमिक काउंसिल एवं शासी निकाय की अनुशंसा पर माननीय श्री मंगलजीत राय जी को डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की मानद उपाधि देने का निर्णय लिया गया है। मैं मानद उपाधि के वाचन के लिए प्रोफेसर सीमा शर्मा जी को धन्यवाद। सर, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं श्री मंगलजीत जी राय, जो एक बहुत ही सरल स्वभाव एवं हसमुख प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनके परिचय दे रही हूं। श्री मंगलजीत राय जी ने 2006 में उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय से अपनी एलएलबी की शिक्षा पूरी की है। एलएलबी की शिक्षा पूरी करने के बाद वह कानूनी प्रैक्टिस करने के बजाय अपने पैतृक गांव में ही रहकर सेवा करना पसंद की पद पर चुने गए। प्रेसिडेंट के पद पर रहकर आपने कई कार्य किए, जैसे कि विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के उत्थान, विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन एवं योग्य व्यक्तियों को सम्मानित किया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी भारत की भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह जी की उपस्थिति में सन 2008 में निर्मला ग्राम पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। आपको राज्य सरकार द्वारा सरकारी संगठनों एवं बागवानी किसान कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया। आपको जुलाई 2017 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन नई दिल्ली द्वारा आजीवन सदस्यता से नवाजा गया। आपको 16 जून 2020 में भारत के सरकारी विकास मंच के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। आपने NCDFI अध्यक्ष पद के छोटे से कार्यकाल में डेयरी सरकारी व्यापार लेन देन को 4 राष्ट्रीय सरकारी आंदोलन के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं। श्री राय जुलाई 2017 से नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडियन आनंद गुजरात के अध्यक्ष रूप में कार्यरत रहे। इसके अलावा आप सितंबर 2017 से सिक्किम कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूस यूनियन लिमिटेड गंगटोक के अध्यक्ष पद पर भी कार्यरत रहे। इसके अलावा NCDFI को आउटलुक ग्रुप द्वारा सर्वश्रेष्ठ किसान सहकार सिक्किम कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूस यूनियन लिमिटेड गंगटोक को एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा इंडियन डेयरी अवार्ड 2021 के लिए बेस्ट स्टेट डेयरी फेडरेशन के रूप में सम्मानित किया गया। आपको माननीय मंत्री जी श्री एलएम नेपाल द्वारा जुलाई 2020 में सिक्किम के सभी डेयरी किसानों और निर्देशक मंडल की ओर से प्रबंधन निर्देशन सिक्किम सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ सिक्किम के माननीय राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी द्वारा राजभवन गंगटोक सिक्किम में एक प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है। और भी बहुत कई उपलब्धियां हैं जो सर ने प्राप्त की हैं, जिसके लिए हम सभी करतल ध्वनि से सर का स्वागत करते हैं। सर कृपया मंच पर पधारें। मंगलजीत राय को डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की मानद उपाधि से सम्मानित करने का कष्ट करें। So, congratulations. जा रहे हैं
डॉक्टर सी वी रमन विश्वविद्यालय खंडवा के माननीय कुलपति जी की अनुमति से मैं विश्वविद्यालय के विभिन्न संकाय में 58 अभ्यर्थियों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सभी अभ्यर्थी मंच के समीप आ जाएं। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि एवं कुलाधिपति से अनुरोध करता हूं कि वे उपाधि प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को बारी बारी से मंच पर आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अनुमति प्रदान करें। 2022 के पास आउट सबसे पहला नाम है अंजलि दानाल का, जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर में 85% अंक सिक्योर कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अगले विद्यार्थी का नाम है जयेश दांगोड़े। श्री वर्ष 2020 में 83% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। श्री अगले विद्यार्थी का नाम है मोहित तोमर। श्री मोहित तोमर बीएससी एग्रीकल्चर वर्ष 2020 में 83%। श्री मोहित तोमर बीएससी एग्रीकल्चर वर्ष 2020 में 83% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। अगला विद्यार्थी शरद मालवीय। शरद मालवीय बीएससी एग्रीकल्चर वर्ष 2020 में 82% अंकों के शरद मालवीय बीएससी एग्रीकल्चर वर्ष 2020 में 82% अंकों के साथ स्नातक। अगला विद्यार्थी सलमान खान। श्री सलमान खान बीएससी एग्रीकल्चर वर्ष 2020 में 82% अंकों के। अगला विद्यार्थी शुभम राठौर। श्री शुभम राठौर बीएससी एग्रीकल्चर वर्ष 2020 में 82% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। श्री अगला विद्यार्थी गरिमा आदिवाल। गरिमा आदिवाल बीएससी एग्रीकल्चर वर्षों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। अगला विद्यार्थी नरेंद्र पटेल। श्री नरेंद्र पटेल बीएससी एग्रीकल्चर वर्ष 2020 में 80% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। अगला विद्यार्थी आयुष राठौर। श्री 20 में 79% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। अगला विद्यार्थी श्याम पाटीदार। श्री श्याम पाटीदार बीएससी एग्रीकल्चर वर्ष 2020 में 71% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। अगला विद्यार्थी आईटी से है। वर्ष 2020 में 81.8% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। अगला विद्यार्थी आईटी से आरती सोनी, गोल्ड मेडलिस्ट 81%। आरती सोनी बीसीए वर्ष 2021 में स्नातक उपाधि में सर्वोच्च स्थान प्राप्त।
अगला विद्यार्थी वैभव नागलकर। श्री वैभव नागलकर बीसीए वर्ष 2021 में 79% अंकों के साथ स्नातक उपाधि। अगला विद्यार्थी फाल्गुनी राणा बीसीए में 90% अंक प्राप्त कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। बीसीए वर्ष 2022 में स्नातक उपाधि में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। अगला विद्यार्थी वर्ष 2022 में 82.6% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। अगला विद्यार्थी यश करोशिया। श्री यश करोशिया बीसीए वर्ष 2022 में 80% अंकों के साथ स्नातक। अगला विद्यार्थी देवांश काकानी। श्री देवांश काकानी बीसीए वर्ष 2022 में 79% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। अब हम आर्ट्स के बच्चों का नाम लेते हैं। पहला बच्चा है शुभम गाडगे। श्री 69% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। श्री शुभम गाडगे बीए वर्ष। अगली विद्यार्थी है आस्था पोद्दार। कुमारी आस्था पोद्दार बीए वर्ष 2021 में 74% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। कुमारी आस्था पोद्दार कुमारी कर्णिका फूलमाली बीए वर्ष 2021 में 73% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। अगली विद्यार्थी है देवयानी झाला। कुमारी देवयानी झाला बीए वर्ष 2021 में 72। अगली विद्यार्थी है पूजा पटेल। कुमारी पूजा पटेल बीए वर्ष 2021 में 71% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। अगली विद्यार्थी अक्षता पहारे, इन्होंने 72% अंक प्राप्त कर गोल्ड मेडल उपाधि में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। अगली विद्यार्थी है वैशाली कोचले। कुमारी वैशाली कोचले बीए वर्ष 2022 में 71%। अगली विद्यार्थी है जागृति फार। कुमारी जागृति फार बीए वर्ष 2022 में 70% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। कुमारी जागृति पा। अगले विद्यार्थी हैं मनोज। 2022 में 70% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। अगले विद्यार्थी हैं राहुल पटेल। श्री राहुल पटेल बीए वर्ष 2022 में 69% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। एमबीए श्री सम्राट शर्मा एमबीए वर्ष 2022 में 74
96.6% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। अगली विद्यार्थी है हौरा अली। अगले विद्यार्थी हैं हिमांशु नीरज। श्री हिमांशु नीरज एमबीए वर्ष 2022 में 72% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। अगले विद्यार्थी हैं भावना डोंगरे। 2022 में 69% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। अगले विद्यार्थी हैं सागर सोनी। श्री सागर सोनी एमबीए वर्ष 2022 में 68% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि एमकॉम में हाईएस्ट अंक 77% प्राप्त कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। कुमारी मारिया दलाल एमकॉम वर्ष 2021 में स्नातकोत्तर उपाधि में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। अगला नाम है वर्ष 2021 में 75.7% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। अगला नाम है कीर्ति सोलंकी। इन्होंने बीकॉम में 79% अंक प्राप्त कर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया। वर्ष 2020 में स्नातक उपाधि में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। एक बार फिर मैं मारिया दलाल को बुलाता हूं। इन्होंने बीकॉम में 78% अंक प्राप्त किए थे। वर्ष 2020 में 78% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। कुमारी कोमल थीटे को मैं दोबारा बुलाता हूं। इन्होंने थीटे बीकॉम वर्ष 2020 में 77% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। अगला नाम पायल लाड। कुमारी पायल लाड बीकॉम वर्ष 2020 में 72.7% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। बीकॉम वर्ष 2020 में 70% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। अगले विद्यार्थी हैं आयुष अत्रे। श्री आयुष अत्रे बीकॉम वर्ष 2020 में 68% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। हमारी मोहिनी श्रीवास बीकॉम वर्ष 2020 में 68.8% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। अगले विद्यार्थी करण शिंदे। श्री करण शिंदे बीकॉम वर्ष 2020 में 67% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। सचिन। श्री सचिन राठौर बीकॉम वर्ष 2020 में 67% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। अगले विद्यार्थी हैं हर्ष राज राठौर। श्री हर्ष राठौर बीकॉम वर्ष 2020 में 66% अंकों के। अगली विद्यार्थी हैं शिवाली। इन्होंने बीकॉम में
81% अंक प्राप्त कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। कुमारी शिवाली राजपूत बीकॉम वर्ष 2021 में स्नातक उपाधि में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। अब 2022 के बच्चों का नाम लेता हूं मैं। कॉमर्स के बच्चे अल्फिया सेफी बीकॉम में 92% अंक प्राप्त कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। बीकॉम वर्ष 2022 में स्नातक उपाधि में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। अगली विद्यार्थी हैं ओमिक्राम सेफी। कुमारी ओमिक्राम सेफी बीकॉम वर्ष 2022 में 90% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। अगला नाम आकांक्षा जैन। 84% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। अगली विद्यार्थी महिमा जैन। कुमारी महिमा जैन बीकॉम वर्ष 2022 में 83% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। कुमारी महिमा जैन। अगली विद्यार्थी राहत अंजुम। वर्ष 2022 में 81% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। अगली विद्यार्थी यशवी जैन। कुमारी यशवी जैन बीकॉम वर्ष 2022 में 78% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। कुमारी यशवी। अगले विद्यार्थी भरत अग्रवाल। 2022 में 78% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। अगले विद्यार्थी अवधेश परमार। श्री अवधेश परमार बीकॉम वर्ष 2022 में 77% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। श्री अवधेश। अगले विद्यार्थी रितिका पटेल। 2022 में 73% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। अगले विद्यार्थी फरहीन। कुमारी फरहीन खान बीकॉम वर्ष 2022 में 73% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। सोनी बीकॉम वर्ष 2022 में 72% अंकों के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। अब मैं साइंस के विद्यार्थियों का नाम ले रहा हूं। इसमें पहला नाम है मुस्कान माहेश्वरी। इन्होंने एमएससी मैथ्स में 77% अंक प्राप्त कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। मुस्कान माहेश्वरी एमएससी मैथमेटिक्स वर्ष 2020 में स्नातकोत्तर। अगला नाम है शुभश्री पारिदा। इन्होंने बीएससी बायो में 85% अंक प्राप्त कर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। कुमारी सुभश्री परेडा बीएससी बायोलॉजी वर्ष 2022 में स्नातक उपाधि में सर्वोच्च स्थान प्राप्त। मैं डॉक्टर अरुण जोशी कुलपति डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय खंडवा कुल सचिव से अनुरोध करता हूं कि वे प्रदान की गई समस्त उपाधिकर्ताओं की संख्या की घोषणा करें। मैं रवि चतुर्वेदी डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय खंडवा यह घोषणा करता हूं कि आज दिनांक 16 मार्च 2023 को दीक्षांत समारोह में कुल 58 विद्यार्थियों को उपाधि
703 उपाधियां छात्रों को प्रदान की हैं। अब मैं दीक्षांत समारोह के विशिष्ट अतिथि एवं माननीय कुलाधिपति श्री संतोष चौबे जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस अवसर पर अपना उद्बोधन एवं दीक्षांत भाषण देने की कृपा करें। मंच से क्षमा चाहता हूं। उद्बोधन की श्रृंखला में मैं निवेदन करूंगा हमारे विशिष्ट अतिथि श्री श्रीनिवास सज्जा, प्रबंध संचालक राष्ट्रीय डेयरी विकास सहकारी संघ। Good afternoon all, respected guests on the dais, other distinguished guests, faculty members, parents and graduates. It is a great pleasure and honor for me to address you on this. As we celebrate this important occasion, I would like to take a few moments to express my admiration for this esteemed institution and its achievements. It gives me immense pleasure to stand before you on this special day of your graduation. You are the future of our country, and your dreams and aspirations will shape the new India we all envision. Having worked in the dairy cooperative sector for more than 3 decades, I have personally seen the immense potential and impact of the new era. The youth of India have a critical role to play in shaping the destiny of our country. You have been blessed with a unique blend of energy, innovation, and creativity, which are the essential ingredients for success. You are the architects of our future, and the dreams and aspirations that you carry will determine the path that we take. New India is a land of immense opportunities. The government is committed to creating an environment that nurtures talent and rewards hard work. With the right attitude, I would like to remind you that the journey to success is not easy. You will face challenges and obstacles along the way, but it is essential to remember that every failure is an opportunity to learn and grow. In the words of Swami Vivekananda, arise, awake, and stop not until the goal is reached. This should be your mantra as you embark on your new journey. As we move towards building a new India, it is crucial that we focus on the development of agriculture, dairy, and allied sectors, as these are the core role in the Indian economy, contributing to the country's GDP, employment, and export earnings. India is the world's largest producer of milk, accounting for around 22% of the global milk production. The dairy sector in India is mainly composed of small and marginal farmers, with almost 80 million households involved in milk production. So the dairy sector is a major source of employment, providing direct and indirect employment to millions of people, particularly in rural areas. It is estimated that the sector provides employment to around 10% of the country's population and more attractive. The use of IoT, drones, sensors and other technologies is serving young people to improve efficiency and productivity on the farm. You are more likely to be open to entrepreneurship and innovation. You have access to new technology and information and are more likely to be aware of the opportunities that the agriculture sector presents. This makes your generation more suitable to take risks, start their own businesses, and contribute to the growth of the agriculture sector and rural development. And aspirations are the building blocks of our future. With hard work, dedication, and commitment to making a difference, there is no limit to what you can achieve. As you embark on your new journey, remember that the path to success is not easy, but with the right attitude and willingness to learn and grow, you can achieve anything you set your mind to. I would like to once again congratulate Dr. C.V. Raman University on its achievement and commend the faculty, staff and students for their knowledge, hard work and dedication. I congratulate students all the very best in future endeavors, and I congratulate the graduates once again on their success. Thank you. बहुत बहुत आभार श्री सज्जा। इसके पश्चात हमारे बीच एक और विशेष अतिथि उपस्थित है मंच पर। मैं श्री पी एस सोडी साहब से निवेदन करता हूं, और पी एस सोडी साहब के बारे में मैं एक मिनट में कुछ कहना चाहूँगा कि पी एस सोडी साहब को
मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, गरीब देशों के बीच में काम करते रहे हैं। विशेषज्ञता उनकी हमेशा रही है सर्कुलर इकोनॉमी और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के इन के बारे में इन दिनों वे जाने जाते हैं, और मुझे उनके साथ एक लंबे समय तक काम करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। मैं निवेदन करूंगा श्री सोडी साहब से। धन्यवाद अरुण। नमस्कार, आदाब, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब एंड ऑल द रिस्पेक्टेड पीपल ऑन एंड ऑफ द डायस एंड डियर स्टूडेंट्स। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। मुझे अपना बचपन याद आ गया और मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं वापस से स्टूडेंट बन जाऊं और यहाँ काम करने लग जाऊं आके। सो सच हैज बीन द ड्राइव एंड पैशन विच यू हैव गिवन। और एक इतना अच्छा अनुभव हुआ कि हमारे बीच में छत्र सभी को मुबारक देता हूँ, राय साहब को भी बहुत मुबारक देता हूँ आपकी पदवी के लिए, परंतु 10 की 10 औरतें हैं साहब, 10 की 10। आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट ए जेंडर डिवाइड, बट आई सर्टनली वॉन्ट टू से मेरे को अपनी मेरी पत्नी बायोकेमिस्ट हैं, शी इज अ डॉक्टरेट PhD हैं और वो पढ़ाती हैं, तो मैं कभी कभार, अरुण थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी हेयर, मैं ये कहता हूँ कि 90% ऑफ द वुमेन आर टीचर्स एंड दे टीच इन द स्कूल एंड 90% ऑफ दैट 90% आर नॉट बाय चॉइस, दे वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स इन लाइफ बट दे गिवन अप देयर कैरियर्स एंड बीन अ सक्सेसफुल टीचर एंड शेप द वर्ल्ड, स्टिल मैन थिंग्स आई डू इट। प्लीज ऑल ऑफ, सो आई एम श्योर ऑल द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गो एंड मेक अ big long careers in their life. I have been dealing 40 years. मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ और मैं अभी भी अपने लोगों से जब बात करता हूँ, कल ही मैं बात कर रहा था, सिद्धांत भाई ने कहा वी आर अ सोशल एंटरप्राइज, यू आर अ सोशल एंटरप्राइज एंड यू आर अ सक्सेसफुल सोशल एंटरप्राइज। आई थिंक सो पीपल शुड कम एंड लर्न वॉट इज अ सोशल एंटरप्राइज। तो मैं कल अपने लोगों से, कल ही मेरी एक बात बताओ, दे आर ऑल वेरी यंग पीपल बिटवीन द एज ऑफ अबाउट 20 years to about 35 or 37 years old. मैंने कहा एक बात बताओ यार, तुम ये नौकरी क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या है ये, आप सब नौकरी करने जा रहे हैं, यहाँ बहुत से महानुभवी बोले पहले, और उन लोगों ने, आप किस यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं, अपने नाम रोशन करेंगे, आज आपको पता भी नहीं है आप कल क्या बनने वाले हैं और किस तरह से इस भारत को आगे बढ़। सो भारत आगे बढ़ने वाला ही है, डेफिनेट आई एम वेरी श्योर with the experience. So the point I was trying to make, मैंने अपने साथियों से पूछा, मैंने कहा यार what is that which makes you work? तो बहुत लोगों ने कहा सर पैसा बहुत जरूरी है। मैंने कहा अच्छा, तो किसी ने कहा अनुभव लेना सर, लर्निंग, हम नॉलेज के लिए हैं यहाँ। तो मैंने कहा कि किसी ने ये नहीं कहा कि हम खुशी प्राप्त करना चाहते हैं, I want to be, nobody will raise it, because सभी खुश रहना चाहते हैं। I've got 5 minutes, so I'm not going to go too long. But एक social enterprise की बात की सिद्धांत भाई ने हमारे बीच, and I'm correctly pointing your name, sir. So you know what he said is के हमारा motive देखना है हमें, a joy in ourselves, हम अपने लिए तो सब कुछ करते हैं, हमें देखना है the poorest, the last mile, the social enterprise. That is why you are here. That is why you have taken the degree. That is why you have chosen this college. Chauve sahab, aapko bahut bahut mubarak, aapne itni sari institutions ki. Ek aur baat kahunga iske baad, I will stop. There have been many good things which have happened. I would say that, you know, the informal sector ki baat ki gayi. There is lot of job opportunities for you. I can tell you, you are not going to face what we faced. You have दी शिक्षा दिया आपको, कितने सारे लोग 90% से ऊपर आ रहे हैं। सर्कुलर इकोनॉमी की बात की अरुण ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2015 ही थॉट मटेरियल कंजम्पशन, हम सब कंज्यूम करते जा रहे हैं
और हम कंजम्पशन कर रहे हैं. यू नो इंडिया हैज द हाईएस्ट मटेरियल माइनिंग इन द वर्ल्ड. वी आर डूइंग 1620 मेट्रिक 470. 2015 में भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में से ये आवाज उठाई. ऑफ कोर्स इट इज थ्रू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के वी मस्ट कंट्रोल कंजम्पशन. 11 सेक्टर्स भारत में चुने गए जिनमें टेक्सटाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्लास्टिक है, हैजर्डस वेस्ट है, नॉन फेरस एंड फेरस मेटल्स हैं. आप सब जानते हैं, आप सब इन एरियाज में काम करते हैं. एंड देन देयर आर 11 में बिठाया गया कि इनके अंदर क्या काम किया जाए, कैसे काम किया जाए कि हम मटेरियल यूज एफिशिएंसी क्या टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए. 6 महीने तक 220 साइंटिस्ट चुने गए हिंदुस्तान के, बहुत सारे सोशल एंटरप्रेन्योर्स चुने गए. और मैं देखता हूं कि ये यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट होल सिस्टम वेरी सून, बिकॉज योर वॉइस इज गोइंग टू रीच थ्रू योर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड द एक्सेप्शनल वर्क दैट यू आर डूइंग इन द स्टेट एंड सेंटर. और अभी प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई दिल्ली में, जिसमें सारे चीफ सेक्रेटरीज को बताया गया कि किस तरह से ये बात करनी है, किस तरह से ये काम करनी है. एंड दैट इज ओनली गोइंग टू हैपन विद यू पीपल देयर. यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग टू लैंड, बट प्लीज कीप द वर्ड एंड द डिग्निटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन विद फुल रिस्पेक्ट्स दैट इज बीइंग अ सक्सेसफुल सोशल एंटरप्राइज. कांग्रेचुलेशंस टू ऑल हु वन द. अब सभी उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को एक शपथ दिलाई जाएगी, तो मैं आदरणीय माननीय कुलपति जी से अनुरोध करूंगा कि वो उन विद्यार्थियों को शपथ दिलाएं. मैं डॉक्टर अरुण जोशी प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सभी पीएचडी स्नातकोत्तर स्नातक उपाधि प्राप्त करने वाले सभी अध्यार्थियों और उन उपाधियों से विभूषित करता हूँ तथा आदेश से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने स्थान पर खड़े हों और शपथ लें. सब मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने कर्तव्य पालन में सावधानी और निष्ठा रखने के साथ सदैव प्रयत्नशील रहूंगा. मैं अपने ज्ञान का उपयोग अपने देश की सेवा तथा विश्वविद्यालय को गौरव दिलाने हेतु सदैव प्रयत्नशील रहूंगा. सदैव प्रयत्नशील रहूंगा. धन्यवाद. इसके पश्चात वो अवसर आया है जब हम सुनना चाहेंगे हमारे राष्ट्र के सेना नायक को, जो सदैव ही जवानों के साथ में डील करते हैं. और मेरा अनुमान है कि देश की सेनाओं में हमेशा ग्रामीण युवाओं की अधिकता रहती है. आदरणीय जनरल साहब से गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद. जो सब आज इस हॉल के अंदर उपस्थित स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड द एमिनेंट गेस्ट हु हैव बीन इनवाइटेड फॉर द फंक्शन, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे को बहुत खुशी हुई कि डॉक्टर अरुण जोशी जी ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित की थी. मेरी उनके साथ जब मुलाकात हुई और बातचीत मैंने उनके साथ की थी, ये था कि जो pillars of this university on innovation and looking at getting the best out of the agricultural produce that is produced in this area, uske upar jo karya wo kar rahe the wo bahut hi sarahaniya the, and I think that was absolutely outstanding ki aap apna jo jaise prime minister of india ne kaha hua hai ki one district one product, jo product hai aise mahol mein rahe jahan par sab kuch khula hai, दिल्ली की पोल्यूशन में नहीं रहना पड़े जैसे हम लोगों को रहना पड़ रहा है, और साथ ही साथ आप अपने कार्य को भी कर सकें, अपने जीवन के आदर्श को भी प्राप्त कर सकें. एंड यू कैन ऑल्सो अचीव एंड इंश्योर दैट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डन वेल विद बीइंग एबल टू अर्न अ लाइवलीहुड वाइल लिविंग इन दीज गुड एनवायरमेंट्स. सो फर्स्टली थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. सेकेंडली आई मस्ट से दैट आफ्टर लिसनिंग टू ऑल द प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर आदित्य, लिसनिंग टू डॉक्टर सिद्धार्थ, इट वॉज हार्टनिंग टू सी दी core values that have been imbibed in setting up this institution. And for that, I have to thank Dr. Santosh Shobhe ji. I think, sir, your vision has been absolutely outstanding. I think values, if they are correctly identified and at the inception,
You don't need everybody to be number one, but you need everybody to be a very, very useful citizen of this country. At all levels, you'll be able to contribute. So thank you for putting in ethics. Thank you for putting in values to this institution. I think that's the most important value ye students aaj leke jayenge, those who are graduating in this organization. I must also compliment and thank the speakers who are sitting here, who spoke before me, the teachers, institutional workers who have been behind the scenes to make sure that there is a success in each and every student's performance that was reflected in the kind of marks that they achieved and the kind of achievements that they have been able to record while learning and getting themselves educated, preparing them for the new world. And that is what I think Dr. Arun Joshi had asked me. He says, you must speak about the youth and the new world and then give us and share with us what are the aspirations. At the end, with my experience, and I will then in the end leave some thoughts with the students who are coming in today, because I see my own children and I see my grandchildren and I can see there are challenges which are very different to what we had. So the first thing that has really happened, if I have to look at what has changed, I think the first thing that has changed jiske andar badlav aaya woh hai geostrategic realities. Aur ye geostrategic reality bahut bada shabd hai, but uske andar teen cheeze hui hain jo pichle thode varshon mein jiska is kiya ki that there is a requirement of a balance that has to be done. Institutions jo world institutions hai, chahe World Bank ho, World WHO ho, ye jo great institutions jo second world war ke baad bani thi, unki kabiliyat या के ऊपर शंका उठी कि वो कार्य कर सकते हैं फ्यूचर के लिए कि नहीं कर सकते. तो क्या हुआ, जो ये करंट वर्ल्ड ऑर्डर है, जिस प्रकार से हम रहने सहने का और एक दूसरे देशों के बीच में वार्तालाप था, देशों के अंदर कार्रवाई होती थी, उस सब की चीज डेवलप्ड वर्ल्ड से आती थी. हमने देखा कि जियो पॉलिटिक्स से अब कहानी जियो इकोनॉमिक्स पे आ गई है. मतलब एक जियो इकोनॉमिक्स हैज हैपेंड. जब आप देखें डेवलपमेंट होती थी वर्ल्ड की, तो हम कहते थे वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोपियन, the North America, वहाँ पे development होती थी 7% 6% growth. उसके बाद तब्दीली हुई China के अंदर आके. अभी आप देखते हैं पहले they were at about 8-10% and they have now come to 5-6%. But क्या हुआ है, India has grown from being at a cornerstone today growth which we can see for the next 20-30 years. So ये जो geo economics का shift था Euro Atlantic से वो Indo Pacific में आ गया. जो इकॉनमी थी, आदमी थे, पैसा था, वो सब इस इलाके में था, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट, फार ईस्ट. एंड इसके कारण जियो इकोनॉमिक्स का शिफ्ट होने से जो दुनिया के अंदर जो देखने का तरीका, जिस प्रकार से नेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थी, उनके अंदर तब्दीली करने की जरूरत आ गई. बिकॉज जो सिर्फ हुक्म नहीं ले सकते, आपने खुद रूल बनाने हैं. और इसी कारण आप देखेंगे इंडिया के अंदर क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आप देखें, ये किस लिए हमने बनाया है, ये जो हाइड्रोजन इनिशिएटिव प्राइमरी, ये जो नई उभरती हुई एरियाज हैं, इसके अंदर आप रूल मेक करेंगे. यू विल बी पार्ट ऑफ द रूल मेकिंग बॉडीज, नॉट टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द अदर्स. और ये हर युवक को यहाँ पे रखना याद कि जब आप रियल वर्ल्ड में जाएंगे, यू आर नाउ टूडे पार्ट ऑफ अ प्राउड इंडियन, रिसर्जेंट इंडियन. यू आर नो लॉन्ग, आपकी बड़ी होनी चाहिए, कोशिश आपकी बड़ी होनी चाहिए. और आप देखेंगे अगर आप जैसे कहते हैं ना, इफ यू एम फॉर द स्काई एंड यू टच द रूफ ऑफ योर एनवायरनमेंट, यू वुड हैव अचीव्ड अ लॉट फॉर योरसेल्फ. सो प्लीज लुक एट इट लाइक दैट, दैट यू आर पार्ट ऑफ अ वेरी रिसर्जेंट इंडियन एंड नो लॉन्गर एन इंडियन हु इज ट्राइंग टू मेक रोटी कपड़ा मकान. यू आर लुकिंग फॉर समथिंग मोर. वो कहते हैं ना पिक्चर के अंदर भी आता है, ये दिल मांगे मोर. आजकल वो दिल मांगे मोर, उसके लिए आप लोगों ने काम करना है. आप समझ रहे हैं, सो दैट इज योर एस्पिरेशन दैट यू हैव टू लुक. क्या चेंज हुआ है आपकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, अगर सब पूरा पैसे का दामोदार इस इलाके के अंदर आ रहा है, तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इंडियन ओशन में, इंडो पैसिफिक के अंदर, तो हमारी ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारे को एक स्पेशल पोजीशन देती है. और इस स्पेशल पोजीशन का आपने फायदा उठाना है. सो जो अपॉर्चुनिटीज आप देखेंगे, आप उसको स्केल कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि अब हर एक आदमी आपकी तरफ देख रहा है. सो चाहे छोटा सा छोटा काम करें, चाहे आप सोशल सेक्टर में, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, एग्रो प्रोड्यूस के अंदर, चाहे इनोवेशन, दैट विल बी कॉपीड बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज दे आर लुकिंग एट यू. सो दैट इज द ग्रेटेस्ट चेंज दैट हैज हैपेंड. एज आई सेड, द अदर थिंग दैट यू हैव टू सी इज इंडिया सॉफ्ट पावर, एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी. जो आपने देखा श्रीलंका के अंदर ये प्रॉब्लम हुई,
हिंदुस्तान ने ये तो नहीं कहा कि आप हमारे को पैसा दे दीजिए, आप अपनी इक्विटी को हमारे पास रख लीजिए। जब ये कोविड हुआ, एस्ट्राजेनेका ने जहाँ से कहा, नॉट दी एस्ट्राजेनेका बट से दी कोविड वैक्सीन फाइजर वगैरह ने क्या कहा, अर्जेंटीना की गवर्नमेंट की कोलैटरल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पिरिचुअल हाई ग्राउंड है मोरालिटी का, वो जरूर ख्याल रखें। आई थिंक एवरीबडी मेंशनड इट, दैट शुड बी द एम्बिशन दैट यू शुड कीप, दैट दिस एथिकल कल्चरल स्पिरिचुअल एंड दिस सिविलाइजेशनल आई वुड से पॉजिटिविटी दैट इंडिया हैज, दैट शुड ऑलवेज फंक्शन इन एवरी एक्शन दैट यू टेक। आपको कोई ऊपर से नहीं देखेगा, आप खुद ही अपने सेल्फ डिसिप्लिन तरीके से उसको ध्यान में रखते हुए आगे लेके अपने कार्य को करेंगे एंड यू विल देन मीट सक्सेस। फौज के अंदर बहुत जरूरी, हम लोग एक पर्सनल गेन के लिए नहीं है, तो कोई आपको आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। जिस दिन आपने वो गलत काम किया अपने लिए, आप 100% पकड़े जाओगे। सो अगर आप एथिकल प्रिंसिपल्स पे अपनी कार्रवाई करेंगे, आप देखेंगे कि यू विल नेवर एवर गो रॉन्ग वट एवर बी द इशू दैट यू आर गोइंग टू बी टैकलिंग। वॉट इज द अदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, इस राइजिंग इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज, जैसे बताया सक्सेस फेलियर विल हैपन, टाइम्स विल चेंज, बट देर इज ऑलवेज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। मेक इन इंडिया, आप सबको अपॉर्चुनिटी है। इफ़ यू आर टेक्निकली इंक्लाइंड, इफ यू आर सोशली एज एन एंटरप्रेन्योर इंक्लाइंड, यू आर मेकिंग दीज, क्या आप देख रहे हैं स्टार्टअप्स आर कमिंग अप एट डाइम अ डजन इन आर कंट्री एंड यू आर गेटिंग दैट मेनी मोर आइकॉन्स यूनिकॉर्न्स जो आपको और कहीं नहीं मिल रहे दुनिया के अंदर। स्टार्टअप नेशन इसराइल था, बट अब क्या है, स्टार्टअप इंडिया के अंदर जितने यूनिकॉर्न्स हो रहे हैं वो एवरी सेकेंड डे। तो कभी मत सोचिए कि मैं खांडवा के इलाके में हूँ, यहाँ से जो आप शुरू करेंगे, आप उसको पता चला कि दुनिया का लिए सोच के अंदर कभी कमी मत करिएगा। वॉट इज चेंज्ड, डिजिटल इंडिया, ये आपकी जो कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया हो गई है, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। और आप यहाँ से बैठे हुए कहीं पे भी काम कर सकते हैं, आप अपना वर्क कल्चर यहाँ शुरू करिए, यू आर कनेक्टेड। मेटा आजकल थोड़ा स्लो हो गया, नहीं तो यू आर गोइंग टू हैव दीज वर्चुअल क्लासरूम्स, वर्चुअल मीटिंग प्लेसेस, वर्चुअल एरियाज जहाँ पर आप एक दूसरे का डिस्कस कर सकते हैं। हेल्थ केयर में आप देखिएगा, मेडिकल डॉक्टर्स टर्शरी केयर का बैठा होगा शायद इंदौर में, बट वो पढ़ेंगे। इसका ध्यान में रखिए कि दैट देयर इज अ डिजिटली कनेक्टेड इंडिया विच गिव्स यू अपॉर्चुनिटीज विच वर नेवर देयर अर्लियर इन दिस कंट्री। The third thing which I must also tell you is that in this connected world, you have to be conscious that there is a security issue, there is a safety issue. Why I am saying is, ye opportunities hai. Cyber domain ke andar, OTT platforms ke upar, social platforms ke upar, you can make applications, ghar pe baithe baithe, aap apne aap khud, you are empowered. हमारे को इंजन खोलने के लिए प्रॉब्लम थी हमारी जनरेशन को, आप लोग तो यू आर डिजिटली द डिजिटल एजुकेशन द डिजिटल आई वुड से जनरेशन, जेन जेड इज कॉल्ड द डिजिटल आइज जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड, यू आर सो कंफर्टेबल विद इट। सो प्लीज इसका फायदा उठाएं, जिस भी आपने लाइन चीज की है कि आप इस कनेक्टेड वर्ल्ड का पूरा फायदा उठाएं। दो तीन चीजें और हैं, मीडिया है, ट्रांसपेरेंसी है, एस्पिरेशंस बहुत दिखती हैं। हाँ, वो शाहरुख खान जो कर सकता था मैं भी करना चाहता हूँ। There is a path of hard work, aspirations, and as I said, stabilizing your capabilities. So, ये कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। So, ये मीडिया से जो frustration levels आती हैं कि यार उसने तो कर लिया but मेरा नहीं हुआ, that you will have to tackle. And इसके लिए मैंने बताया the greatest strength हमारे इंडिया के अंदर है our civilizational, our social system, our family values. If you remain anchored onto that, you will find you'll be able to meet all these challenges very comfortably. So be conscious of the way you're looking at mitigation, adaptation, resilience in climate sector. ये तो नए opportunities हैं, आपने यहीं देखना है। जो crops grow करते थे कि आपका monsoon season ये था, वो monsoon season shift हो गया है। Weather जो पहले गर्माइश या टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए थी, वहां पर एकदम एक्सट्रीम क्लाइमेट आने वाली है। हाउ आर यू गोइंग टू टैकल इट? तो इसमें ये मिटिगेशन अडेप्टेशन जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का कोर वैल्यू है उसके अंदर आप कर सकते हैं। एंड इसी यूनिवर्सिटी के बेसिस के ऊपर आपने देखा, यू गॉट सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑफ दिस टेक्निकल डोमेन विद दिस फंक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज, एग्रो एनिमल हस्बेंड्री इज द वन वेयर यू विल गेन ट्रिमेंडसली। सारी दुनिया को चाहिए। हम अभी लास्ट महीने ही गए थे हम लोग बांग्लादेश के अंदर टू प्रोटेक्ट द मॉनसून एज ए से द मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट रिडक्शन से विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स देर आर गोइंग टू बी 40 मिलियन क्लाइमेट माइग्रेंट्स बिटवीन द कोस्ट फ्रॉम ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया टू द कोस्ट ऑफ इंडिया एंड अलॉन्ग द लिटोरल्स ऑफ इंडिया। में कैसे ग्रोप करोगे? दिस इज द एरिया वेयर एंड दिस यूनिवर्सिटी कैन टेक द लीड
And I, as I keep saying, I think there could have been no one better than Arunji to be sitting here, to be able to guide this youth to think in the right direction. Absolutely an outstanding field and area that you can go ahead. I think the last thing which I would like to give is that please remember the Gen Z, aapke paas capability, dimension of focus, domain expertise, you require to be mentored. So please, when you're growing up, you need to be anchored ki aap wo jo tunnel vision se aap bada picture bhi dekh sakein. And that is the area where I think people like us can come in to help, and people sitting here on this dais will come in to help, that they will become the mentors to give your tunnel vision the bigger picture, taake us ki jo tunnel ki jo speed aur jis change se aap focus kar sakte hain, usko phir aap ekdam infinity tak usko le ja sakein aap. In the end, there is a lot of Russia-Ukraine war ho gayi, ye pandemic ho gaya, H1N1 aa gaya, swine flu aa gaya, kal bird flu aa gaya, ab koi aur ek naya sa cheez aata jayega. So there will be events that will happen. So wo jo kehte hain, you are living in a VUCA world. It's violent, it is uncertain, it is complex, it is ambiguous. So kya chahiye? Aapki base education jo hai, that has to be solid. Agar wo aapke fundamentals theek honge, jis prakar se bhi hawa aayegi, aap apne aap ko khada kar sakenge. And that is the strength that you require, fundamental strength and focus on the issue of building up your basic capabilities. Uske baad jo naya naya jo tarike aayenge, technology will change, but you will be able to adapt yourself beautifully. Main end mein do teen cheeze batana chahunga, which I would like to end with. This is something which I followed all my life. Main unko kehta tha, the six C's of doing well in your life. There are the six C's stand for competence, that is kabliyat. जो भी आप कार्य करें उसके अंदर कॉम्पिटेंट होना जरूरी है. उसकी कोई सेकंड सेल्फ कॉम्पिटेंट बाय रिमेनिंग ऑन टॉप ऑफ द लर्निंग कर्व. ये नहीं कि मैंने आज कॉलेज खत्म कर गया, अब खत्म हो गया, अब इसके बाद चले. ये जो जनरेशन 10 साल में चेंज होती थी वो फिर 5 साल में आ गई, अब 5 साल के बाद टेक्नोलॉजी के साथ वो एक एक साल में चेंज हो रही है. तो अगर आप अपने आप को ऊपर नहीं रखेंगे तो आप आज पढ़े लिखे हैं बट कल के अनपढ़ हो जाएंगे. हमारी जनरेशन है जो अगर हम कंप्यूटर को नहीं देखते तो हम अपनी रिजर्वेशन नहीं कर सकते. अगर मैं वो डीजी लॉकर नहीं उतार के अपना वो उसको लोड नहीं कर सकता तो मैं एयरपोर्ट में निकलने में मेरे को फंसा रहता हूँ. क्वालिटीज जो बेसिक कैरेक्टर जो है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए. प्रेशर आएगा, जो कैरेक्टर क्वालिटीज विल होल्ड यू अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड मेक यू कंटिन्यू टू गो अहेड. वो डिप्रेशन नहीं होगा. हिंदुस्तान में डिप्रेशन नहीं होता इतने लोगों को जितना बाहर होता है. हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस पिछले 70 साल से हम बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, हमारे में कोई ये स्टॉकहोम सिंड्रोम नहीं हुआ कि पता नहीं आगे हम घर पे आगे पागल हो गए कि हमारे पटाखे से दिमाग में उड़ रहे हैं. नहीं हुआ, क्योंकि हमारा एंकर जो है, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है उसके ऊपर हम कम्युनिकेट करने का, जो भी लीडर है, जो भी किसी कार्रवाई के अंदर है, अगर आप अपनी चीज बता नहीं सकते दूसरे को तो फिर आपके वो नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है. अगर आपके टीचर सुपर स्पेशलिस्ट हों मगर आपको कन्वे ना कर सकें वो गुड पॉइंट्स, तो उसके अंदर फिर वो फेलियर होगा. तो प्लीज़ डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स. यू हैव टू बी एबल टू कम्युनिकेट जहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक अपने जिस धैर्य में काम करते हैं, यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट. क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए, श्योर अबाउट योर विजन एंड क्लैरिटी, यू विल कंटिन्यू टू ग्रो. करेज ऑफ कन्विक्शन, कभी भी ऐसे दबाव में ना आए कि करंट क्राइसिस के अंदर बिगर पिक्चर को आप घूम जाए, वो मत भूलिएगा. बिगर पिक्चर होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट उसके लिए आप करना है. बट लास्ट चीज जो मैं कहता हूँ जो बहुत जरूरी है इंडियंस के लिए, यू नीड टू हैव एम्पथी एंड नॉट सिंपथी. सो दैट व्हेन यू टॉक अबाउट योर कंपैशन, इट हैज टू बी एम्पथेटिक. जो क्या कहते हैं, मैं देख रहा था इसका, समानुभूति टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल हु लिव अराउंड यू एंड नॉट बी सिंपथेटिक. सिंपथेटिक इज यू आर लुकिंग डाउन फ्रॉम टॉप डाउनवर्ड्स. एम्पथी इज व्हेन यू फील फॉर देमसेल्फ. और यही फौज के अंदर फर्क है. हम लोग, वी ऑल आर एम्पथेटिक टू द पीपल वी सर्व विद, वी कमांड, वी लीड. दैट्स व्हाई वी कैन गो इनटू ऑल दीज हार्ड एरियाज, बिकॉज देयर इज एम्पथी फॉर ईच अदर. और तभी ये हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं वो इतने बॉन्ड्स रहते हैं. और ये जो यूनिवर्सिटी ने एथिक्स और प्रिंसिपल्स किया है, ये एलुमनाई के लिए विल बिकम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर यू टू. आया था हैप्पीनेस के बारे में, बींग कनेक्टेड ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स कैन नॉट रिप्लेस रिलेशनशिप्स. हाँ भाई बहन, कि सर मेरे पास तो 1000 फॉलोअर्स हैं, 1,000,000 इंस्टाग्राम है, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ. आई एम सॉरी, यू आर कनेक्टेड, बट आपका रिलेशनशिप भाई बहन, दोस्त, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट, योर कोलीग्स जरूरी है फॉर यू टू रिमेन स्टेबल. सो प्लीज रिमेंबर दैट, रिमेन स्टेबल. गूगल, चैट जीपीटी, ये सब आप, हाँ, अगर आप नहीं पढ़ेंगे
इंफॉर्मेशन तो मैं बैठे बैठे बता दूंगा कि गूगल में क्या करना चाहिए एआई में, बट अगर आप नॉलेज चाहते हैं तो फिर तो किताबें पढ़नी पड़ेंगी भैया, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, वो चैट जीपीटी शीपीटी नहीं दे सकता आपको, हाँ जितना भी कोशिश करें। और आखिरी के अंदर मैं कहूँगा ये जो लाइफ स्टाइल ईज जो ऑफ लिविंग है अभी हम देखते हैं, ये हैप्पीनेस नहीं देगा, हैप्पीनेस के लिए आपको इनर लुक देखना पड़ेगा। हाँ मेरे पास कम्फर्ट है, मैं कार में जाता हूँ, डिजिटल कनेक्टेड है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, लाइफ हैज़ बिकम ईजी living, but that is not happiness. So please draw your own quotient ki what is happiness, kya cheez aapko wo happiness aur sanctum deti hai, and you will do well. Aur end ke andar main sirf ye kahunga jo mere father mujhe hamesha kehte the jab main fauj mein gaya tha, jab main school mein gaya tha, wo kehte the girte hain shay sawari maidan-e-jang mein, wo tifl kya girenge jo ghutnon ke bal chalte hain. So please remember, failure or success, carry on regardless. Jai Hind, thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आशीर्वचनों के लिए। अब हम मानद उपाधि प्राप्त हमारे विशेष अतिथि श्री मंगलजीत राय जी से मैं सादर निवेदन करती हूं कि वे मंच पर आकर अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आज के ये गरिमामय उपस्थिति अर्थात डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी का प्रथम दीक्षांत समारोह में सभी को मैं नमस्कार तासी दिले खाम्बे। डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय खांडव के पहले दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि सम्माननीय लेफ्टिनेंट जनरल श्री अरुण सहानी जी और इसी विद्यालय के सम्माननीय कुलाधिपति श्री संतोष चौबे जी जो आज का अध्यक्ष भी, इसी प्रकार मंच पर विराजमान कार्यकारिणी निर्देशक आइसेक लिमिटेड सचिव आइसेक सोसाइटी आदरणीय सजा जी, डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय का कुलपति आदरणीय अरुण जोशी जी, प्रो वाइस चांसलर आदरणीय अदिति चतुर्वेदी जी, ब्रिटिश साम्राज्य के आदेश के सदस्य आदरणीय श्री पी एस सोड़ी जी, आदरणीय मैडम चौबे जी, कुल सचिव आदरणीय श्री रवि चतुर्वेदी जी, देवी और सज्जनों और प्रेस से आए हुए सभी बांधव बांधव, अकादमिक उत्कृष्ट नई पद्धति और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त करना वास्तव में एक सौभाग्य की बात है। यह मेरे लिए बड़े ही सम्मान की बात है कि आज मैं सामुदायिक सेवा विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाले के रूप में आपके सामने खड़ा हूं। जिस काम के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित किया है उसके लिए पहचान जाना एक बड़ा सौभाग्य है। यह मान्यता मेरे लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि यह दूसरों के सेवा करने और मजबूत समुदायों के निर्माण के लिए आजीवन प्रतिबद्धता है। मेरा मानना है कि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धियां व्यक्तिगत सफलता से नहीं बल्कि उस सकारात्मक प्रभाव से मापी जाती है जो हम दुनिया पर बना सकते हैं। एक विकास व्यवसायिक के रूप में मेरे जीवन का कार्य उन लोगों के लिए अवसर पैदा करने के लिए समर्पित रहा है। बचपन से ही सामाजिक न्याय और सामुदायिक विकास का शौक रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में मैं बड़े होने के दौरान मैंने पहली बार उन चुनौतियों को देखा जिनका लोगों को बुनियादी सुविधाओं संसाधनों अवसरों तक पहुंचाने में सामना करना पड़ता है। इन अनुभवों ने मुझे सामुदायिक सेवा में जीवन वृत्ति बनाने के लिए प्रेरित किया है
और मैंने सकारात्मक परिवारों और समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। अपने पूरे जीवन वृत्ति के दौरान मैंने युवा समूह से लेकर सामुदायिक संगठनों तक व्यक्तियों और समुदाय की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ काम किया है। मैंने सामुदायिक सेवा और सामाजिक कार्य से न केवल व्यक्तियों पर बल्कि पूरे समुदाय पर पड़ने वाले जो मैंने कर सका और उसे जो प्रभाव पड़ा, चाहे वह जरूरतमंद परिवारों की मदद करना हो, सामुदायिक विकास परिजनों में सहायता करना हो या सामाजिक न्याय के लिए लड़ना हो। इसी तरह एक ग्रामीण समुदाय में बड़े होने के दौरान मैंने उन चुनौतियों को देखा जिनका सामना किसानों को बाजारों और संसाधनों तक पहुंचाने में करना पड़ता था। डेयरी फार्मिंग के आजीविका के साधन के रूप में भी देखा। इस अनुभव में मुझ में ग्रामीण सदस्यों विशेष रूप से डेयरी क्षेत्र में अवसर पैदा करके ये एक जुनून जगाया। जैसे जैसे मैंने डेयरी क्षेत्र में विकास की दिशा में काम किया, मैं स्थायी परिवर्तन बनाने में सहकारी समितियों की शक्ति के बारे में और जागरूक होता गया। उन बाजारों और सेवाओं तक पहुंचाने में सक्षम बनाती रहे है जो सामान्यतः उनके पहुंच से बाहर होते हैं। यह मॉडल ग्रामीण विकास विशेषकर डेयरी क्षेत्र के लिए एक शक्तिशाली माध्यम साबित हुआ है। मुझे सिक्किम की छोटी सी गांव बैंक दूध उत्पादक सहकारी समिति, सिक्किम कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन, नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के मूल्यवृद्धि और उनके समुदायों में आर्थिक सुधार के लिए काम करते आए हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से न केवल किसानों के जीवन पर बल्कि पूरे समुदाय पर सहकारी समितियों से होने वाला सकारात्मक परिवर्तनकारी प्रभाव देखा है, उसे नज़दीक से महसूस किया है। मैं इस अवसर पर मेरा माता पिता, मेरा धर्मपत्नी, मेरा सब परिवार के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस मार्ग पर चलने मेरा साथ दिया, जो मेरे लिए निरंतर शक्ति और प्रेरणा का स्रोत है। और आज इस अवसर पर मेरा NCDFI के प्रबंध निर्देशक आदरणीय श्रीनिवास सज्जा जी, NCDFI का सलाहकार श्री केसी सुपेकर जी, NCDFI का पूरे टीम, दोस्तों और सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके अटूट समर्थन और प्रोत्साहन के कारण ये जिन्होंने मुझे हमारे साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाया और हर मोर्चे पर साथ खड़े हैं। मैं उन किसानों और उनके परिवारों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और जिन सहकारी समितियों के साथ काम किया उन पर भरोसा किया सकारात्मक बदलाव लाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी बड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय मुझे हर दिन प्रेरित करता है। उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं इस मानद डॉक्टरेट की उपाधि की स्वीकार कर रहा हूँ, मुझे इस सम्मान के साथ अपने आने वाले महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का भी एहसास होता है। यह सम्मान केवल मेरे काम का उत्साह नहीं है बल्कि हमें रखनी चाहिए। हमें समानता, समावेश और सामाजिक न्याय के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता रहना चाहिए और एक ऐसा समाज बनाने के लिए काम करना चाहिए जहां हर किसी को फलने फूलने का अवसर मिले। मैं बदलाव लाने वालों को समुदाय का हिस्सा बनकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ जो एक बेहतर समाज और दुनिया बनाने के लिए विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलाधिपति श्री संतोष सौबे जी, कुलपति आदरणीय डॉक्टर अरुण जोशी जी, प्रबंध बोर्ड का आदरणीय सदस्यों को आभारी हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके डॉक्टरेट की मानद उपाधि बड़े आदर के साथ सम्मानित किया। एक बार फिर
इस अविश्वसनीय सम्मान के लिए सबको धन्यवाद। मैं गहराई से आभारी हूँ और अपने और मैं इस उत्कृष्ट संस्था के मिशन और लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे रिश्ते को हमेशा सक्रिय मजबूत रखने के प्रतिबद्धता जाहिर करता हूँ। और अंत में एक साथ काम करने का प्रण लेते हुए सभी को पुनः आभार प्रकट करते हुए मेरा संबोधन यहीं विराम करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे विश्वविद्यालय कुलाधिपति जी की छवि, उनका संभाषण, उनकी उपस्थिति, उनकी शिरकतें आपसे अछूती नहीं रही है, लेकिन जब भी वे मंच पर पधारते हैं और विशेष रूप से नई पीढ़ी को देखते हैं तो उनके भीतर इस विश्वविद्यालय के विकास को लेकर से अनुरोध करती हूं कि वे आएं और आपको संबोधित करें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर सीवी रामन विश्वविद्यालय के इस प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे सोडी साहब, अरुण जोशी जी, सज्जा साहब, सिद्धार्थ, अदिति, मंच पर उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय की फैकल्टी, डीन्स, एचओडीज और सामने बैठे बहुत सारे हमारे मित्रों, सदस्यों, अन्य विश्वविद्यालयों से आए वाइस चांसलर जो यहाँ पर हैं, मंगलजीत सिंह, जिनका अभी आपने बहुत ही इंस्पायरिंग कहता हूँ कि उन्हें आज यहाँ पर डीलिट से सम्मानित किया गया, और उन सभी बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने आज गोल्ड मेडल प्राप्त किए, जिन्होंने उपाधियाँ प्राप्त की और जिनके चेहरे आज ओश से चमक रहे थे, और वो उनमें वो इंस्पिरेशनल क्वालिटी है कि जब वो मंच पे आते हैं तो आपको भी इंस्पायर करते हैं और आपको अपनी युवावस्था में ले जाते हैं। तो विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस समय पूरे देश में एक तरह की महिला एस्पिरेशनल क्रांति जारी है, और वो विज्ञान हो, आपने फिल्म देखी विज्ञान वाली, साहित्य हो जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, संस्कृति हो, कलाएं हो, इस सब में लड़कियां लीड कर रही हैं, और हमारे देश में ये जो नई हवा चली है मुझे लगता है ये बहुत ही शुभ है और पूरे देश को आगे ले जाने वाली है। मैं देना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा वक्त लेना चाहिए। इस विश्वविद्यालय के बारे में जो मुझे अच्छा लगता है वो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले उन छात्रों को कई बातें सिद्धार्थ ने कही, अभी अरुण जी ने कही, सूरी साहब ने कही, मुझे लगता है उसे नहीं भूलना है, और हमारा जो लक्ष्य है वो किसी ने बहुत सही कहा था कि परमार्थ का लक्ष्य अगर हमारे दिमाग में रहता है वो हम लोगों को स्कूल में श्लोक पढ़ाया जाता था, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत मेतज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो बात यह है कि जो खल है यानी जो अविद्या का स्वामी है वो कुछ अन्य तरह के काम करता है, जो विद्या के स्वामी है जिनके पास मूल्यों की बात की गई है वो विद्या का प्रयोग दान के लिए, कमजोरों के रक्षण के लिए और परमार्थ के लिए करते हैं। मुझे लगता है कि ये श्लोक हम ध्यान रखेंगे और भारतीय ज्ञान परंपरा अच्छे छात्र भी बनेंगे, अच्छे उद्यमी बनेंगे, अच्छे भारतीय बनेंगे, और ये अच्छापन जो है समाज में हमको बरकरार रखना है। हमारी कोशिश रहती है कि ये अच्छापन हमारे छात्रों में भी रहे, हमारी फैकल्टी में भी रहे, और वो भी
आप कुछ और भी श्लोक, अभी श्लोक की बात हुई तो मुझे कुछ और श्लोक भी यानी कपलेट्स याद आ रहे हैं जिसमें कि ये कहा जाता था कि विद्या परम देवतम है, यानी विद्या ही सबसे बड़ी देवता है और मान्यता रखता है धन की नहीं। धन तो आता जाता रहता है, वो तो हम लोग कमा लेते हैं, अच्छा काम करेंगे तो धन अपने आप आता है, लेकिन विद्या कला कौशल ये बढ़ाते रहने के लक्ष्य से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत अच्छे नागरिक भी बनेंगे और एक बहुत अच्छा काम भी करेंगे। अब मैं उस विषय पे आता हूँ जो जिससे मैंने अभी शुरुआत की थी कि इस विश्वविद्यालय की सबसे अच्छी बात यह है कि ये उस क्षेत्र में स्थापित हुआ जहाँ पर पहले कभी, और खंडवा ऐसा एक निमाड़ पूरा क्षेत्र था, 60-70 साल की का इतिहास है स्वतंत्रता का, लेकिन किसी ने यहाँ पर विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में नहीं सोचा। तो सबसे पहले तो मैं ये बधाई देना चाहता हूँ आप सबको, फैकल्टी जो यहाँ पर है, छात्र हैं, कि उन्होंने एक अच्छा उत्कृष्टता केंद्र खंडवा में बनाया है जिसका प्रभाव देशव्यापी है और एक नए इनिशिएटिव के तरह ये पूरे देश में लिया जा रहा है। आप कर रहे थे, मुझे लगता है कि एक मूल बदलाव जो किया जाना है वो देश की हायरार्की में किया जाना है, वो जो एक तरह से जारी भी है इस समय। यानी हर बच्चा, उदाहरण के लिए, इंदौर पढ़ने क्यों जाएगा, हर बच्चा मुंबई क्यों जाएगा, और इस प्रक्रिया में कितने बच्चे छूट जाते हैं ये भी देखा जाना चाहिए था। तो आज और हम जब उत्कृष्टता केंद्रों की बात करते हैं तो बड़े शहरों में ही क्यों होंगे, वो छोटे शहरों में कर सकते हैं जो हम शायद न्यूयॉर्क में करते। तो ये जो खुलापन पूरे समाज में आया है उसके माध्यम से मुझे लगता है कि छोटे शहरों में जाके, तो मुझे ऐसे ग्रुप की जो एक बात अच्छी लगती है कि वो हजारीबाग में विश्वविद्यालय बनाते हैं, रांची में नहीं, वो वैशाली में विश्वविद्यालय बनाते हैं, पटना में नहीं, वो खंडवा में विश्वविद्यालय बनाते हैं, इंदौर में नहीं, और इस तरह उन जगहों पर पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां पर कि वास्तव में बच्चों की जरूरत है। कौन सा विदेशी विश्वविद्यालय ये कह रहा है कि मैं खंडवा में जाके काम करूंगा, मुझे बताइए, कोई नहीं कह रहा है इस बारे में। जो भी करेगा वो दिल्ली बॉम्बे तक आ जाए और शायद वहां एक्सचेंज वगैरह कर ले तो अलग बात है। हमने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ MOU किए हैं और यहाँ पर उनको लाने का काम ये विश्वविद्यालय करेगा। तो मुझे लगता है कि इस पूरे हायरार्की में बदलने की ज़रूरत है। एक किताब बीच में आई थी, हालांकि उसके बहुत पहले हम लोग ये काम शुरू कर चुके थे, प्रबंधन प्रहलाद की किताब थी। तो न सिर्फ ये एक वाइज दृष्टि है कि हम अपने देश की सेवा के लिए नीचे की तरफ चलें, बल्कि ये प्रबंधन की दृष्टि से भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि रिसोर्सेज तो सारे नीचे ही थे, और अगर हम वैल्यू एडिशन करते हैं, हम प्रोसेसिंग करते हैं, हम दिए गए खनिजों का, दिए गए कृषि उत्पादों का प्रयोग करते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ाते हैं, तो वो जो धन जमा करने की बात आप अभी कर रहे थे जो कि एक तरह से ग्लोबल पर्सपेक्टिव की जानी है, ये करते करते मुझे 40 साल गुजर गए और अभी सिद्धार्थ ने बताया कि हमारे अब 30,000 केंद्र पूरे देश में हैं, और मूल बात उनकी यही है कि वो नीचे की तरफ जाके लोगों से जुड़ने का काम करते हैं। दूसरे जो इनोवेशन के बारे में अदिति ने यहाँ बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक कृषि केंद्रित विश्वविद्यालय बन रहा है। आप देखिए कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े लोग हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में अच्छे काम करते हैं, और कृषि का फोकस यहाँ रखा गया है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यहाँ नहीं है, यदि होगा तो कृषि इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है। और दूसरी बात अदिति ने बहुत अच्छी करी कि हमारा पर्सपेक्टिव, उसने अपने पर्सपेक्टिव के बारे में बताया कि पर्सपेक्टिव ग्लोबल है, यानी फ्यूचर स्किल एकेडमी भी स्थापित की जा रही है जहां पर AI, ML और साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस के कोर्सेज भी हैं, और दूसरी ओर हमारा एक लोकल पर्सपेक्टिव भी है कि हमारे ही यहाँ के लोगों को साथ लेके, तो कृषि संस्थान भी होंगे, मतलब वो प्रोड्यूस भी करेंगे, वो कंसल्टेंसी भी करेंगे, वो गाइड भी करेंगे, इनोवेट भी करेंगे, उनका पर्सपेक्टिव पूरा ग्लोबल होगा और वो टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग मार्केटिंग में करेंगे, लेकिन उनका उनके रूट्स जो हैं वो जड़ों में होंगे। तो दूसरी बात मुझे अच्छी लगती है, अपार्ट फ्रॉम वैल्यूज विच जनरल साहब टॉक्ड अबाउट, इट हैज गॉट अ राइट पर्सपेक्टिव फॉर द राइट टाइम। भविष्य में कभी ऐसा होता है, भूतकाल में होता है तो मालूम नहीं है, लेकिन आज के समय में यही पर्सपेक्टिव है जो के बारे में सिद्धार्थ कह रहे थे। देखिए कि मनुष्य को कैसा बनना है, ये एक सवाल है। मनुष्य कैसा बनेगा, उसकी अवधारणा क्या है, वो अवधारणा कैसे बदल रही है,
और ये पूरी संस्था का ये दृढ़तापूर्वक विश्वास है कि विज्ञान के अलावा हमको साहित्य और कलाओं को भी बराबरी से रख के देखना है, तभी मनुष्य संतुलित बन सकता है। वो जो बात कही कि हम टेक्नोलॉजी के प्रभाव में दौड़, तो दोनों ही काम यह विश्वविद्यालय करता है और इस तरह एक बहुत संतुलित मनुष्य बनाने की बात करता है। लोक कलाओं की बात की गई, निमाड़ी भाषा पर लोक कला संस्कृति केंद्र यहाँ बनाया गया है, वो भी मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। अब उस पर 2 दिनों का एक लोक कला महोत्सव भी होने जा रहा है, तो लोगों को साथ लेके, लोक कलाओं को साथ लेके, लोक की समझ को साथ में लेकर, साहित्य और कलाओं को साथ में लेकर, एक बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जो मनुष्य बनेंगे, तो दे आर डिफरेंट ह्यूमन बींग्स एंड वी ट्राई एंड इंटरेक्ट विद देम सो दैट दे आर कॉन्फिडेंट इन द न्यू वर्ल्ड। ये बहुत ही मैं जन साहब से शेयर कर रहा था कि जब हम आए थे और अब जब देखते हैं तो क्या चेंज आया है, ड्रामेटिक चेंज अरुण जोशी जी लाए हैं, उसके लिए मैं अरुण को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनका भी काम बहुत अच्छा है। अब मित्रों, दूसरी जो सेट ऑफ इश्यूज हैं, इतना खुलापन नहीं था, और ये जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसने ये संभव किया है कि आप अलग तरह से सोच सकें, मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। अभी ये फ्लेक्सिबिलिटी पूरी विश्वविद्यालयों में रिफ्लेक्ट नहीं होती है, सरकारी विश्वविद्यालयों में तो और भी दिक्कत है क्योंकि उनके यहाँ थिंकर्स भी कम हैं, लेकिन एक निजी विश्वविद्यालय में, अरुण जी मुझे बता रहे थे कि जब मंत्री जी यहाँ आए थे तो शायद तो वो सारे छात्र चुप रहे, उनकी कोई समझ नहीं थी, जबकि हमारे यहाँ के छात्रों ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सेदारी करी, बताया कि शिक्षा नीति को लेकर हम ये समझते हैं, हमारे ये इनिशिएटिव्स हैं, और द मिनिस्टर वाज शॉक्ड दैट इन अबाउट 3-4 ईयर्स टाइम यू हैव ओनली नॉट ओनली यू नो प्रोड्यूस गुड स्टूडेंट्स बट यू हैव ऑल्सो चेंज देयर पर्सपेक्टिव। तो शिक्षा नीति ने जो अच्छी बातें की हैं उनमें से एक सबसे बड़ी बात जो अपनी संस्था, हमारी संस्था 30-40 सिद्धार्थ ने भी बताया कि 1985-86 में ये बात हमने भांप ली थी कि कंप्यूटर या आईटी जो है वो एक चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, वो पूरी चीज़ को बदल देगा, और दूसरी बात इसको अपने देश की भाषा में किया जाना है। तो हिंदी में जो काम शुरू हुआ था, और भाषा को लेकर ये बहुत कॉन्शियस है, अच्छी भाषा में ही अच्छा विज्ञान हो सकता है, मतलब भाषा और विज्ञान में बड़ा गहरा संबंध है। तो वो काम 85-86 में शुरू किया छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में, और वो काम जो है कौशल को लेकर लगातार फैलता रहा। अब सारे राज्यों में, 27 राज्यों में उनकी भाषाओं में ये काम होता है, और हम लोग इस बात को ठीक से समझ गए हैं कि लोगों तक पहुंचने के लिए उनकी भाषा, शायद उन्हीं की भूषा मतलब उन्हीं के कपड़े, उन्हीं की तरह का डीग्लैमराइजेशन। एक सिद्धार्थ ने कहा कि हार्वर्ड ने ये केस स्टडी करी कि भाई ये कौन सा संगठन है जो इस तरह से बात करता है और जो सूचना तकनीक को लोगों ले यहाँ तक बात करता है। तो वी वर सिलेक्टेड फॉर दैट स्टडी एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द होल ग्रुप विच हैज डन दिस वर्क। नई शिक्षा नीति जब आई, उसने कौशल विकास की बात की, तो सर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि कौशल को उच्च शिक्षा से अलग करके मत देखिए, उच्च शिक्षा और कौशल जो है वो निम्न है, आपको कौशल को उच्च शिक्षा के साथ ही लेके चलना है। और हमारा जो संस्था है वो शुरू से ही, मतलब कॉमर्स पढ़ोगे तो टैली भी पढ़ोगे, ये करोगे तो ये भी करोगे, और कृषि करोगे तो रावे में आप जाके फार्मर क्लब भी बनाओगे और फार्मर के साथ इंटरेक्शन भी करोगे, ये शुरू से ही अपना विचार था। हम लोग लगभग उस जगह पे थे जब शिक्षा नीति आई, और कौशल के अब लगभग सबसे बड़े प्लेयर इस देश में हैं, 27 सेक्टर्स में काम करता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ा जो काम हुआ है कि कौशल को शिक्षा से जोड़ा जाए, जिससे जब आदमी बाहर निकले, बच्चा बाहर निकले, तो पूरी तरह तैयार हो दुनिया को फेस करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ से निकलेंगे वो कोई ना कोई कौशल लेके निकलेंगे और दुनिया को फेस करेंगे। दूसरी जो बात नई शिक्षा नीति में सबसे अच्छी लगती है, जिसको यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ, वो राष्ट्र में अभिमान की बात करती है। एक वो एटीट्यूड की, पश्चिम की एक दृष्टि है और पूरब की एक दृष्टि है, और पूरब की दृष्टि यह है
इस बात को नई शिक्षा नीति पहले ही वाक्य में समाप्त करती है, इस देश पर अभिमान होगा, इस देश पर गर्व होगा, इसकी भाषाओं पर अभिमान होगा, कला संस्कृति पर, ज्ञान परंपरा पर, इसके विज्ञान पर, और वहाँ से वो शुरू करती है। तो हमने अधिकतर जो अपने इस विश्वविद्यालय जो स्कूल बनाए हैं उन सारे स्कूल्स के नाम भारतीय ऋषि वैज्ञानिकों पर या भारतीय वैज्ञानिकों पर, कि अपने वैज्ञानिकों के ऊपर बहुत कम विश्वविद्यालय हैं ही नहीं। अब कलाम साहब के ऊपर एक विश्वविद्यालय बना है, और कलाकारों के ऊपर तो और भी कम है, टैगोर को छोड़ा जाए तो और बहुत कम कलाकारों पर विश्वविद्यालय बने। तो हमको ये अभिमान को इनकलकेट करने की और अपनी ज्ञान परंपरा को कैरी करने की जो बात है वो भी मुझे नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी लगती है। हर जगह देखो कि हमारा पीछे क्या था और देखो कि हम आज कितना काम कर रहे हैं, और कैसे ही किसी भी दृष्टि से हम कहीं से भी कम नहीं पढ़ते जनरल साहब ने, और अपनी भाषा में ज्ञान संज्ञान की बात करती है। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा तो होनी ही है, लेकिन अब ये बड़ा जोर है कि उच्च शिक्षा को भी मातृभाषाओं में किया जाए। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अब मेडिकल एजुकेशन को हिंदी में करने का काम शुरू किया है। हम लोग लंबे समय से कंप्यूटर पर काम हिंदी में ही करते आए, और लगभग 42 किताबें ऐसी हैं जो हम लोगों ने तैयार की जो बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब विज्ञान की किताबें भी हिंदी में कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की लगभग पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल तक आप जब दुनिया के बाहर निकलेंगे तो आप सीख ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट मुझे महात्मा गांधी की वो बात याद आती है कि राममोहन रॉय और बड़े थिंकर होते, लोकमान्य तिलक और बड़े थिंकर होते अगर उन्होंने अपनी भाषाओं में ज़्यादा काम किया होता, उनको अंग्रेजी जानने की ज़रूरत नहीं थी। एक तरह का अंधविश्वास है कि अंग्रेजी में आप कोई बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे और हिंदी में आप कुछ या अपनी भाषा में कुछ छोटे आदमी हो, कुछ नहीं। वो सारे जो अच्छी में भी काम करते हैं तो हिंदी बोलता है, डॉक्टर पर्चा भले ही अंग्रेजी में लिख लेकिन मरीज तो सारा हिंदी वाला है। तो ये देखना है कि अपनी भाषा में गर्व अभिमान हो और उस पर काम करना शुरू किया जाए। नई शिक्षा नीति कहती है कि उच्च शिक्षा में भी हम अपनी भाषाओं को लाएंगे, और सर इस बात को जानते होंगे जनरल सहनी की जितनी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं पूरे विश्व में वो सभी अपनी भाषाओं में काम करती हैं। फ्रांस अपनी भाषा में काम करता है, रूस अपनी भाषा में काम करता है, जर्मनी अपनी भाषा में। जो एक जो द्वैत है, भाषाई बोझ है, उसको भी कम करना चाहिए। लेकिन पूरा यहाँ लैंग्वेज लैब है तो कम्युनिकेशन के लिए आप अंग्रेजी ज़रूर सीखेंगे। मुझे अच्छी हिंदी नहीं आती तो मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी भी नहीं बोल सकता हूँ, तो मुझे सबसे पहले अपनी भाषा अच्छी आनी चाहिए, उसके साथ में हम अंग्रेजी भी सीखनी है। और अंग्रेजी ही क्यों, हमारे इसमें सर एक इंटरनेशनल स्कूल खोल रहे हैं लैंग्वेजेस का, जापनी सिखाता है, जर्मन सिखाता है, और सबसे ज़्यादा डिमांड जर्मनी में है, और इंजीनियर्स सबसे ज़्यादा डिमांड जापान में है, और उनको वो भाषाएँ भी आनी हैं। बेसिक लर्निंग हमारी भाषा में होगी, उसके बाद हम पूरी दुनिया को मास्टर करेंगे, ऐसे कोई इशू नहीं है। तो ये नई शिक्षा नीति अपनी बात करती है और प्राच्य भाषाओं पर भी जोर देती है। अभी हमने एक सर्वे किया है, उसमें कम से कम 300 पांडुलिपियाँ मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं जो पुरानी ज्ञान के मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ओंकारेश्वर के इलाके में। डॉक्टर परियार भी यहाँ बैठे हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट अंत में बहुत सारे बदलावों की बात की गई, डिजिटल वर्ल्ड हमारा बन रहा है वगैरह वगैरह, जिसके बारे में तो हम कॉन्शियस हैं ही, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे आईसेक लर्न बनाया गया है, और डिजिटल वर्ल्ड की बात भी करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्रीय इशू ये है कि हमारी मनुष्य की अवधारणा क्या है, और हम क्या पश्चिम की दृष्टि से मनुष्य को देखते हैं कि अपनी दृष्टि से मनुष्य को देखते हैं। अगर ये अवधारणा हम करेक्ट कर लें, समन्वय के साथ जीवित रहने का, और उसमें वो भले ही पूजा की दृष्टि से हो या कोई और दृष्टि से हो, प्रकृति के साथ समन्वय के विकास को, समन्वित विकास को सबसे ज़्यादा केंद्र में रखा गया, और उसी के अराउंड हमारी दर्शन, हमारी पूजा परंपरा, हमारी ज्ञान परंपरा चलती चली जाती। जबकि पश्चिम ने हमें बताया कि हमें ये पूरे संसार का दोहन करना है, दोहन नहीं करना है, इसके साथ साथ रहना है। ये जो बात आपने समानुभूति की, कंपैशन जो है वो साथ को, तो मैं तो साहित्य में भी कंपैशनेट आलोचना की बात करता हूँ, मैं साहित्य में समानुभूति की बात करता हूँ। तो ये विश्व दृष्टि जो एक्वायर करेंगे हम, वो ऐसी होनी चाहिए जो वसुधैव कुटुंबकम की है, वो ये है कि पूरी दुनिया एक परिवार है, हम भी उस परिवार के सदस्य हैं, और देखा जाए तो परिवार में तो चार हिस्से हैं, जिसमें जड़ पदार्थ भी है और प्रकृति भी है, उसके ऊपर पशु पक्षी भी हैं, उसके ऊपर मनुष्य है, और मनुष्य के पास देवता बनने की संभावना भी है। तो बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण सारे
उस पर लगता है, लागू होता है स्तरों पर, लेकिन मनुष्य को समझने के लिए जो दृष्टिकोण है वो है कंपैशन। और वो समानुभूति अगर अपने मन में आती जो संस्कृति, कला और साहित्य आप में पैदा करते हैं, तो आप एक बहुत संतुलित और बहुत सफल मनुष्य बनेंगे। इन सारी दुविधाओं से जिनके बारे में बात हुई, मैं खुद भी गुजरा हूँ। और एक समय में मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में सेलेक्ट हुआ था 1982 में। और जो सोडी साहब ने कहा आनंद की बात है, तो अंत में ये कहूँगा कि जीवन का गाइडिंग प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि तमाम ज्ञान अर्जित करेंगे, तमाम विज्ञान अर्जित करेंगे, पर करेंगे वो जिसमें हमें आनंद आएगा। आनंद आएगा और नहीं आएगा तो हम उसको छोड़ देंगे। तो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर मैंने छोड़े, आईएएस की नौकरी छोड़ी, मैं छोड़ी क्या, मैं गया ही नहीं उसमें। और उसके अलावा तब तक मैं शिक्षा और विज्ञान में आ गया था, फिर मुझे आईटी में मज़ा आने लगा, फिर आईटी के उसमें, और हमारे नेटवर्क ने विश्वविद्यालय बनाए, तो मुझे आपके साथ मज़ा आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये आनंद जो है ये केंद्रीय बात है, इसको हमको रखना है तो आपका जीवन बहुत खुश और बढ़िया रहेगा। मैं आप सबको एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, सारे विद्वान वक्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं कि आपके आने से ये विश्वविद्यालय पवित्र हुआ, इतने सारा ज्ञान आपने लोगों से शेयर किया, और ये सब हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल होगा। मैं एडवाइस करूंगा अरुण जी को, उनके साथ हम आगे काम करें, भले वो सिक्किम में हो, भले ही NDDB के साथ हो, भले ही जनरल साहब के साथ हो, वी मस्ट प्रोग्रेस अलॉन्ग विद दी एक्सपर्ट्स। तो थैंक यू सो मच, जितने परिवार के लोग हैं और जो लोग आए हैं सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इससे पहले कि अब हम विश्वविद्यालय कुल सचिव जी को धन्यवाद उद्बोधन के लिए आमंत्रित करें, आप सभी से हमारा निवेदन है कि जो डिग्रीधारी छात्र हैं इस सभागार में जो मौजूद हैं, वे वहीं पर बैठे रहे, आगामी निर्देश के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अब मैं बहुत बहुत सम्मान के साथ आभार ज्ञापन के लिए श्री रवि चतुर्वेदी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। पहले दीक्षांत समारोह का समापन, मैं माननीय कुलपति जी से धन्यवाद। समय बहुत हो गया है, लेकिन फिर भी इस निमाड़ क्षेत्र के पहले विश्वविद्यालय की ओर से, एक ऐसे क्षेत्र के विश्वविद्यालय जहां विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, जो आज प्रूव हो गया, जहां विद्यार्थियों में लगन है, जहां विद्यार्थी चाहते हैं कि हमें क्वालिटी मिले तो हम कहीं नहीं जाएंगे, ये प्रूव करते हुए ऐसे छात्र के विद्यार्थी, ऐसी जगह के विद्यार्थियों की तरफ से मैं विशेष अतिथि आदरणीय जनरल साहनी जी का, आदरणीय सोडी जी का, सज्जा सर का, हमारे आईसे ग्रुप के सिद्धार्थ सर का, हमारी प्रो वाइस चांसलर अदिति चतुर्वेदी का, आदरणीय चौबे मैडम का, सभी विद्वज्जनों का, हमारे ऐसे ग्रुप के अन्य वाइस चांसलरों का, आकर हमारे विद्यार्थियों का बहुत सारा उत्साहवर्धन किया, ऐसे सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हालांकि मुझे पहले ये बोलना चाहिए था कि मैं भगवान का बहुत सारा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि उन्होंने कल मुझे बहुत डराया, लेकिन डराने के बाद भी इस प्रोग्राम को सकुशल होने दिया, इसलिए भगवान का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कार्यक्रम का समापन हम राष्ट्रगान के द्वारा करेंगे। कृपया सभी सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल वंग विंध हिमाचल यमुना गंगा, नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
वंदे मातरम। धन्यवाद, सभी अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। जो भी छात्र डिग्रीधारी है उसमें गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट जिस प्रकार से शोभा यात्रा आरंभ हुई थी उसी प्रकार से शोभा यात्रा अब उसके रिवर्स ऑर्डर के अंदर होगी। तो सबसे पहले जनरल साहब और कुलाधिपति, डायरेक्टर, कुलपति, हमारे डीन्स और हमारे छात्र प्रस्थान करेंगे। हम नए हमारे पुराने प्रशासनिक भवन में जाएंगे और वहां पर हम अपना एक एक पिक्चर फोटो भी लेंगे। उसी प्रकार से चलते हैं। धन्यवाद। आइए।